इसका नाम है अजय। अमेरिका में सेटल होना ही इसकी ख्वाहिश है। एक अच्छी सी नौकरी, एक सुंदर सी बीवी और एक छोटा सा घर, यही इसके सपने हैं। और इन सपनों को पूरा करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा है। पर आजकल पार्ट टाइम एम्प्लॉय का और फुल टाइम लवर ज्यादा बना है। और इसे देखकर जो लड़की शर्मा रही है, उसका नाम है माधुरी। ये है कारण, पुलिस ऑफिसर बनने की एक ही ख्वाहिश से जी रहा है। इसके लिए दर्जनों अंडे खाता है और रोज 2 लीटर दूध पीता है, लेकिन रिश्वत देना नहीं चाहता और रिकमेंडेशन लाने का दम नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड बन गया है। इसका नाम है पप्पू। ये एक असिस्टेंट डायरेक्टर है। एक ना एक दिन शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाकर बड़ा डायरेक्टर बनना चाहता है, लेकिन इन सबको ये नहीं पता है कि इनके सुखी जीवन में एक बड़ा तूफान आने वाला है। हिम्मत वाला नंबर वन, खतरों से खेलना है मेरा काम। मौत का मना है जरूरी, उसमें मगन मैं सुबह शाम। हिम्मत वाला नंबर वन, खतरों से खेलना है मेरा काम। मौत का मना है जरूरी, इसमें मगन मैं सुबह शाम। ना बोलना अच्छा नहीं, तुम देखो ना सच है यही। हर लड़की का एक ही सपना, साथी मिले सिर्फ नंबर वन। अरे यहाँ पे वहाँ पे कहीं पे किसी से प्यार के जलवे देखो, नाचे हरदम नाचे हरदम। हे यहाँ पे वहाँ पे कहीं पे किसी से दिल का आलम देखो, लोगों हरदम लोगों हरदम। हिम्मत वाला नंबर वन, खतरों से खेलना है मेरा काम। मल का मना है जरूरी, इसमें मगन मैं सुबह शाम। हिम्मत वाला नंबर वन, खतरों से खेलना है मेरा काम। माल का मना है जरूरी, इसमें मगन मैं सुबह शाम। ना बोलना अच्छा नहीं, तुम देखो ना सच है यही। हर लड़की का एक ही सपना, साथी मिले सिर्फ नंबर वन। है यहाँ पे वहाँ पे कहीं पे किसी, यहाँ तो लफंगों के साथ डांस कर रहा है। मुझे तुझे अपना भाजा कहते हुए शर्म आती है। अरे मैं इस गांव का प्रेसिडेंट हूँ, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल क्या होता। बस करो मामा जी, आप मुझे इस तरह सरेआम जलील नहीं कर सकते, समझे आप? एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो, मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ। रुक जा, इसके सर पे 200 रुपए रखता हूँ, फिर भी इसे कोई नहीं खरीदेगा। ये लो, ये मेरा 200। हाँ देखते तुम्हें भी कौन खरीदता है, बड़े खुद को जॉर्ज बुश समझने वाले। चलो निकलते यहाँ से। रुक, वहीं रुक जा। तुझे क्या बड़ों की इज्जत एकदम नहीं है? कल रात में मामा जी को भरे बाजार में बेइज्जती करके यहाँ क्या करने आया? तो और क्या करता, बाजार में बेचने के लिए खड़ा कर दिया तो बिक जाता क्या? क्या सोच के ये सब कर रहा है तुम? मेरी मर्जी, और वैसे भी ये सारी जायदाद मेरी ही तो है। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कैसे तुम लोगों ने मेरे माँ बाप को धोखा देकर ये सारी जायदाद निकालने की कोशिश की। देखा देखा क्या बकरा है, बचपन से इतना प्यार से उसे बड़ा किया है। कभी मांगा था मैंने आपसे प्यार, और वैसे भी आप दोनों ने मुझे आज तक दिया क्या है? क्यों रे, दिन ब दिन तू बिगड़ता जा रहा है, हमने पूछेंगे तो कौन पूछेगा तुम्हें? आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो मैं जानता हूँ, बाहर किसी से कहना मत, लोग हंसेंगे। और वैसे भी आप लोग तो एक ही ढिंडोरा पीटते रहते हो कि मैं बिगड़ गया। मुझे आपसे ज्यादा प्यार करने वाले दोस्त है इस दुनिया में। ये मेरे दिल में क्या चुभा? तो जाओ उनके पास जाकर रहो। जा रहा हूँ, उन्हीं के पास जा रहा हूँ, बात करते हैं।
चल निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो टीसी पकड़ लेगा। क्यों, ऐसा क्यों? बिना टिकट के एसी में आएगा तो पकड़ेगा नहीं क्या? तुम ही मजाक करता है। तेरा सामान कहाँ है? शाम की गाड़ी से वापस जाएगा क्या? नहीं रे, वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता। आज से तू ही मेरा सब कुछ है। तो फिर कपड़े क्यों नहीं लाया? हाँ, गाँव के कपड़े शहर में पहनूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। चल अब 10 जोड़े दिलाई दे। हाँ, लेकिन ब्रांडेड चाहिए। हाँ, शहर में तो लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत होती है। तेरे तो मजे है यार, किसी को बटाया गया या अभी भी खाली हाथ घूम रहा है? देख मेरी बात मान, अभी भी वक्त है। किसी को तो दो। अंधा है क्या? सॉरी बॉस। चल अभी आगे देख, समझ गया ना? बड़ा है अंधा बोलने वाला। इडियट। गाँव की गोरी तो नहीं है लेकिन अच्छी है। लाइसेंस निकाल। ड्राइविंग देखा ना तूने? देखा तो है। तो ऐसे चलाने वाले को लाइसेंस मिलता है क्या? नहीं है। पुलिस से मस्ती कर रहा है क्या? मेरा कॉलर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, इसका पकड़ो तो माल आएगा। दोस्त, मामू को 200 रुपए दे दे। पैसे से हर काम आसान हो जाता है। अरे मामा। हाँ? ये वीआईपी कौन है? वीआईपी नहीं, गुंडा है। रहीम नाम का क्रिमिनल। पुलिस से बचकर भाग रहा था, बस से जाके टकरा गया, एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। चलो चलो चलो। अच्छा, यार तो अमेरिका जाने वाला था ना? प्रोसेसिंग तो शुरू हो गई है, वीजा आने की देरी है। अब तक तो ठीक था, अब तू आ गया है, अब ना जाने क्या होगा। चल चल मेरे, चल मेरे साथी। यह बाइक ही है, नहीं हाथी। ये क्या कर रहा है तू? हैंडल पकड़ के चला, खुद भी मरेगा, मुझे भी साथ ले जाएगा। तेरी माधुरी कैसी है? उसे क्या होगा, वो तो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन उसका बाप आज भी वैसे ही है, उससे डील करना बहुत मुश्किल है। उसका टेंशन मत ले, उसके बाप को पटाने के लिए मैं आ गया हूँ ना। अब तू क्या करेगा? अच्छे से आंटी को पकड़ के उस पे छोड़ देंगे। ऐसा कुछ करना मत, बहुत ही खड़ूस बुड्ढा है वो, देख सामने जा रहा है। अब देख मैं क्या करता हूँ। अब पता नहीं इस बूढ़े को क्या हो गया है, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। वो किस काम से आया है? कुछ नहीं ऐसी सर। कर! इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किसी काम से नहीं। बस बंद कर बोला ना, तेरे स्टेटस के लोग हमारे यहाँ नहीं रह सकते। चीफ फेलोस, अच्छा समझकर घर किराए पे दिया था। पता है सर। क्या पता है तुझे? कि हम अच्छे लड़के हैं। एक्स्ट्रा मत बोल, मैं कौन हूँ पता है तुझे? आई एम ओनर ऑफ दिस हाउस एंड प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी। क्या कहा, कॉलोनी? दो ही तो घर है। मैंने अगर खबर लेना शुरू की तो तुम्हारा एड्रेस तक पता नहीं चलेगा। अरे मैं तुझे मार भी डाला, कोई नहीं पूछेगा। जैसे शहर का बहुत बड़ा डॉन है, उसे चीर के रख दूंगा, कोई रोकने नहीं आएगा मुझे। अभी तक पाला नहीं पड़ा ना, वो आपका भी बड़ा बाप है। ए, तो चुप क्यों है रे? आप गैप देंगे तो बोलो। क्या बोला? गैप दूंगा तो ऊपर चलेगा। शट अप। अब दो दर पेपर कौन लाएगा? मैं लाता हूँ ना सर। इस तरह उछल कूद करना बंद करो, मेरी बात सुन। कुछ कहा गया उसने? तू मेरे साथ चलते को बताना है। अबे इधर ही बोलना, क्या बोला? चलना बताता हूँ। अब दूध और पेपर भी मुझसे मंगवा रहा है। मिला के दे देते, खत्म हो जाएगा। हाय बहन आ गई। कैसे हो बाबू? फर्स्ट क्लास। इसके होते और क्या टेंशन है। माधुरी अंदर आना, बाद में मिलेंगे, बाय। हाय करण, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गर्मी की छुट्टियों में घर आया हूँ। ए पप्पू। ए बाबू, कैसा है मेरे दोस्त? अरे कितने दिन हो गए तुझे देखे यार। तू बता तेरा सिनेमा कैसे चल रहा है? सिनेमा विनेमा कुछ नहीं, और 8 साल असिस्ट करेगा तो भी इसका कुछ नहीं होने वाला, कब समझेगा क्या पता। ये कुछ भी बकता रहता है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तू एक बार सेटल हो गया ना, तू सबको सेटल कर सकता है। अरे तू बहुत स्मार्ट है दोस्त। पहले कुछ खा ले। असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब ब्लैंक चेक होता है, 100 रुपए से लेकर 100 करोड़ तक चलता है। हाँ शाबाश दोस्त, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। बस अब इसी को ही बरकरार रखना। तू क्यों इसे इनकरेज कर रहा है? क्या रे पप्पू, तुझे कितनी बार समझाया, कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ लो, सेटल हो जा, अपने माँ बाप के बारे में सोच। ऐसे कौन से पेरेंट्स होंगे जो इस तरह का पागलपन बर्दाश्त करेंगे? और नहीं तो क्या, यश चोपड़ा और मधुर भंडारकर को भी उनके पेरेंट्स ने इनकरेज किया था, तब जाके इतने बड़े बने हैं। कामयाबी मिलने के बाद लोग कुछ भी बोलते हैं, तू मेरी बात मान, कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले। ए सुन पप्पू, ये सब बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं। तू एक बहुत अच्छा डायरेक्टर बनेगा, और जब तू बनेगा ना तो ये लोग ही कहेंगे तो इनके कितने क्लोज था, गली गली कहते फिरेंगे, एक ही थाली में खाना खाते थे। तुम दोनों को तो सिर्फ भगवान ही सुधार सकता है। चल मैं जा रहा हूँ। ओके। और ए, सुन क्या है, जाते जाते 100 का रिचार्ज करा दे यार। हाँ। वो क्या है, अपने फैंस को मैसेज कर दूंगा कि मैं आज सेफली पहुंच गया। हाँ, कर दूंगा। कल से मैं गर्म पानी से नहाऊंगा, इंतजाम करना यार। अबे अपना पहले फोन तो उठा, रिंग बज रही है जब से। फोन आया था, 50 मिस कॉल्स। मेरा मोटू राम पागल हो गया लगता है, मैं यहाँ पर बिना बताए आ गया ना, सब परेशान हो गए होंगे। हाँ ये क्या, एक ढंग की शर्ट नहीं है, छी 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 छी। Please recharge your account. बैलेंस नहीं है, इसने अब तक रिचार्ज नहीं किया क्या? अबे सुन, तेरा फोन देना यार, अबे दे। हेलो, तूने अब तक रिचार्ज नहीं किया ना? क्या बोला? अजय 1 मिनट कमिंग। क्यों अब तक मिला नहीं? बेवकूफ, 6478 नहीं है, 98 है। Yeah, I will see. तुझे इतना भी याद नहीं रहता? मैं ऑफिस में हूँ, तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, उस नंबर पे फोन करके मैं ही कुछ कर लूंगा।
उसका नसीब अच्छा है, सुबह सुबह उसने 100 रुपए कमा लिए। अच्छा तो तू मेरे से गेम खेलेगा, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हेलो, अबे ये तो लड़की है। हेलो सुनिए, मेरा नाम बाबू है। हेलो, मेरा नाम बाबू है। बाबू क्या बीपी बढ़ गया? बीपी नहीं बाबू, मेरा नाम बाबू है। बाबू कितना बढ़ गया चेक किया? दरअसल मेरे फ्रेंड ने आपके फोन में रिचार्ज करवाया। 80 हो गया है। क्या 80 हो गया? यार 20 रुपए खत्म हो गए। कोलेस्ट्रॉल चेक किया क्या? ऐसा ही चलता रहा तो काट डालेंगे। काट डालेंगे? ऐसे कैसे काट डालेंगे? मैंने अपने 100 रुपए मांग लिए तो आप मुझे काट डालोगे? अच्छा पहले की तरह दवाइयाँ ले रही हो ना? यानी कि दवा की क्या जरूरत है, बस आपकी दुआ चाहिए, 100 रुपए दे दो मेरे पास। अपना ख्याल रखना। हेलो बोलिए। देखिए वो सब दवा दारू का छोड़ के मेरे 100 रुपए दे दीजिए ना। कौन सा 100? वही 100 जो मेरे फ्रेंड ने दरअसल मेरे फोन के बजाय आपके फोन में रिचार्ज कर दिए। मैं इस वक्त बिजी हूँ, आप शाम को फोन। देखिए काटिए मत मैडम। तुम्हें राजकुमार जैसा ही पति मिलेगा। तुम इतना बिजी रहती हो फिर भी हमसे मिलने रोज यहाँ आया करती हो, तुम पे हमेशा भगवान की कृपा रहेगी। हमारे बच्चे तो साल में एक बार ही मिलने आते हैं, लेकिन तुम रोज हमसे मिलने आती हो। तुम हमसे बहुत प्यार करती हो ना। जिसके पास सब कुछ होता है उसे उनकी कीमत का पता नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। ये मोटू राम तो बाज आने से रहा। अरे क्या बंदरों की तरह हरकत कर रहा है, पहले फोन तो उठा तू है? नहीं तो फेंक दे। क्यों फोन फेंक दूं क्या? तुझे इतनी परेशानी हो रही तो 100 रुपए दे दे मुझे। नहीं है। नहीं तो अपना मुंह बंद रख, ये साला सुनेगा नहीं। इतने सारे मिस कॉल आ जाते हैं और लगता है फोन का। हेलो मोटू राम बोलो, आपको क्या हीरो समझता है ये? फिर से मिस कॉल। रुक जा मेरी बात सुन, रुक जा प्लीज रुक जा। ये नहीं रुकने वाला दोस्त, मुझे अपना फोन देगा प्लीज? देख दे। Whose phone is that? Ma'am, it's mine. Get out. I'm sorry, ma'am. Please. Get out of the class. हेलो मैडम, मैं बाबू बोल रहा हूँ। मैडम क्या है? वो मेरे 100 रुपए का क्या हुआ? शाम को फोन करने के लिए कहा था ना तुम्हें। आपने कहा तो सही, लेकिन वो मोटू राम मेरी जान ले रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर केयर में फोन करो। प्रॉब्लम है? फिर से फोन किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे स्टूपिड फेलो। देखिए देखिए ईट इट। इसने फिर से फोन रख दिया और ये करते जा रहे उसकी माँ की औक। सोचता हूँ अभिषेक को लेकर दीवार या शोले का रीमेक बनाऊं। यार यार रेप सीन मुझे ही देना। पुलिस के कैरेक्टर में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जचेगा। तू चुप बैठना यार, तू बोल। सुन अभिषेक, गब्बर और ऐश्वर्या खड़े हैं और मेरा कैमरा धीरे ऊपर जाता है। रैम शॉट, फ्लैश कट, आरआर धीरे से स्टार्ट होता है। गब्बर की आंखों में डर और अभिषेक की आंखों में गुस्सा। अब मारेगा डायलॉग। अरे मैं युवा धूम के रास्ते आकर गुरु को अपने साथ लेकर रावण की ऐसी तैसी करके आया हूँ और तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरे सामने खड़ा है के बाद सीधा इंटरवल। और हॉल में ऑडियंस बिल्कुल शांत। यही है पप्पू का स्टाइल। एक साल, पक्का एक साल अगर अभिषेक ये डायलॉग बोलेगा ना तो पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख देगा। एक और बॉटल लेते हैं और सेकंड ऑप्शन दे। इसका फोन आना शुरू हो गया, वही मिस कॉल वाला। अरे मोटू राम कितना प्यार करेगा मुझसे, रात को तो चैन दे। अबे तेरी वजह से मुझे चल नहीं रही है। ठीक है तेरा फोन दे इधर, तेरा फोन दे इधर, कब तक मेरे पैसे नहीं लौटाएगी। हेलो कौन है? तेरा बाप हूँ रे। कौन? कौन क्या, अगर मैं कस्टमर केयर से बात करूँ तो तुम्हारी केयर कौन करेगा? एक
क्या बक रहा है तू? बक रहा हूँ और बकूंगा, क्या कर लेगी तू? यू इडियट और इडियट्स, डॉन नंबर वन, मवाली नंबर वन, बदमाश नंबर वन, हिम्मत वाला नंबर वन। देख तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है, काट डालूंगा समझी, काट डालूंगा तुझे, इतने आसानी से मेरे 100 रुपए निकल जाओगी। यू चाकू घोंप दूंगी तुझे। तुझे जो करना है कर ले फुलन देवी, लेकिन एक बात जान ले, मैं तेरा क्या हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकती, समझ गई? देख मुझे मार्केट में बहुत मजा आता है, कुछ ही सेकंड्स में तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम्हें एक और बात पता है, चाहे कोई भी हो मैं किसी की परवाह नहीं करता, समझी? तुमने अपने बाप के पैसे समझ के मेरे 100 रुपए उड़ा दिए। हां ए अपना एड्रेस बोल, शराबी नंबर वन। हां मैं हूं शराबी, अपने दोस्तों के पैसों की पीता हूं। तेरे बाप के क्या जाता है, तुझे एड्रेस चाहिए ना, एड्रेस चाहिए ना, ले ले। अब वो इधर ही जाएगा, आएगा नहीं जब तक तू आएगा। आजा 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 आजा। बोल दे ये सुबह सुबह कौन आ गया? बोल रहा भाई ए, इधर बाबू कौन है रे? अरे यार सुबह सुबह किसको देख? क्या कहा? मैं ही हूँ, मैं ही बाबू हूँ। आइए ना अंदर आइए। सुना है तू जब मारना शुरू करता है तो मारता ही चला जाता है। किसको मारा मैंने? मैं तो कल ही यहाँ पर आया हूँ। तूने कहा है ना पुलिस किस खेत की मूली है, तू उसको उखाड़ के फेंक देगा? साहब खेत की क्या बात करते हो, ये फेस देखिए, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या? और क्या क्या कहा इसने? वो पुलिस वाले मेरा क्या कर लेंगे यही कहा था, उनके तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बोला। Hey, चल चल जाके सॉरी बोल। वाह क्या बात है, देखने में तो इतनी खूबसूरत हो पर फोन पर आवाज इतनी खराब क्यों थी? अच्छी खासी हीरोइन जैसी शक्ल है। तूने सॉरी बोला क्या? एक मिनट सर, मेरा भेजा खराब हो रहा है। अरे बाप रे, इतनी खूबसूरत लड़की और मैंने उससे इस तरह से बात की, मुझे तो इससे 100 बार माफी मांगनी चाहिए। देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बल्कि एक नहीं 100 बार मांगता हूँ। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है? उससे तुम्हें क्या? यानी नहीं है फिर तो आज से मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। अरे किस बेवकूफ को पैसे चाहिए, आपस में फ्रेंडशिप हो प्यार हो यही तो जिंदगी। हम दोनों के बीच में पैसे कहाँ से आए? आप ही रख लीजिए वो पैसे, मुझे नहीं चाहिए 100 रुपए, उसके बदले में आपकी फ्रेंडशिप दे दो, हम लोग रोज मिला करेंगे। और अरे अरे कहाँ जा रहे हो मैडम? रुकिए, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए, आप तो बुरा मान गए, अपना नाम तो बताते जाइए। रुक जा, सॉरी बोला कि नहीं? एक बार नहीं 1000 बार बोला सर। वैसे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लड़की ने कंप्लेंट की इसलिए यहाँ तक आ गया। अगर लड़का कंप्लेंट करता तो यहाँ तक आते थे? लड़की को देख के फिसल गए ना सर। पुलिस से मजाक करता है। चल दोस्त मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। बाबू अजय ऑफिस गया क्या? हाँ उससे कुछ काम है क्या? मुझे सर कॉलेज तक ड्रॉप कर दोगे? मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। ड्रॉप तो कर दूंगा पर रुकूंगा नहीं। रुकने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम लोग शादी कब कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबू, पापा को तो तुम जानते ही हो, किसी बड़े घर में रिश्ता देख रहे हैं। चाहूँ तो घर छोड़ के मैं अजय के साथ शादी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे सिवा पापा को तो कोई नहीं है। ये भी सही है, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व है। बट वीजा आने में देर हो रही है, वही तो टेंशन है। क्यों टेंशन ले रही हो? अब मैं आ गया हूँ ना, सब सॉल्व कर दूंगा, हमेशा खुश रहने का। अगर मेरे कॉलेज में इतनी लड़कियाँ होती तो मैं कब का कलेक्टर बन जाता था। अब रहने भी दो। हे बाबू 5 मिनट यही रुकना, मैं अभी आती हूँ। 5 मिनट की क्या बात करती हो, फुल टाइम ले लो, मैं यही पर रुकूंगा। आहा कमी नहीं है लड़कियों की शहर में, कमी नहीं है लड़कियों की शहर में। अरे बाप रे पुलिस वाली यहाँ पर? अरे तुम यहाँ कैसे? स्टूडेंट हूँ मैडम। स्टूडेंट? या MSc कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स? हाँ कंप्यूटर्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कैलकुलेट, करेक्ट? करेक्ट ही है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज है। ये क्या कर दिया मैंने, रुक जाओ यार। हाय हाय, क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है और बहुत कीमती भी है। 100 रुपए कीमत है। बाबू मैं अभी आती हूँ। ठीक है कोई जल्दी नहीं है। मैडम एक्सक्यूज मी एक मिनट रुक जाइए मैडम, मुझसे 2 मिनट बात करने में क्या हर्ज है? दरअसल मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी और मेरी शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। देखो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से। देखिए आपको जिंदगी में कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी, और अगर आपको मेरे जैसा हैंडसम पति मिल जाए तो फिर तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी। अभी तो अपना नाम बता दो। अबे तो शर्मा गई, इसके हंसने का क्या मतलब हो सकता है? हेलो अपना नाम तो बता दी जाओ। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अभी तो अपना नाम बताओ। मेरा रेखा हेमा जया श्रीदेवी। इसने तो पूरे खानदान का नाम बता दिया। रेखा हेमा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मेरा नाम बाबू है, तुम्हारा बेबी। What? बाबू बेबी, बाबू वेट्स बेबी, सुपर आइडिया है ना? है ना? हिम्मत वाला नंबर वन वो तो हूँ ही।
कौन सी दुनिया से आई, चांद से भी वो है प्यारी, सपनों में आए झुमका कह जाए। कौन सी दुनिया से आई, चांद से भी वो है प्यारी, देखूं जी भर के आरजू है ये। कदमों में तेरे हरियाली और एहसास बहारों का, पदा पदा मधगा तेरे पीछे मैं चला। अब हाथों में हाथ तेरा, नहीं कोई यहाँ है तीसरा, हंसी में है झरना, बिन तेरे न जीना। वो कल क्या होगा कौन ये जाने, शायद हो पूरे सपने, आँख भी भर आए घर तो हंसते हैं ये लब अपने। चाल है तेरी ये निराली, इश्क को चाहने वाली, मन हुआ एक पागल भौरा, चाल है तेरी मतवाली। ये रहना बित जाए ना सब बदले ना, ये रहना बीत जाए ना सब संभले ना। हम होंगे साथ सब देखो, नहीं होंगे जुदा हम देखो, ऐसे मिलेगी अब सबकी जुस्त जू। पहाड़ों पर छाया हुआ बादल कितना अच्छा लगता है। प्रकृति माँ की तरह होती है, जिसमें स्नेह प्यार मासूमियत सब कुछ होता है, जैसे माँ बाप का अपने बच्चे के प्रति होता है। और मैं बदकिस्मत, मुझे तो ये सब कभी मिला ही नहीं। ऐसा ही मैं हूँ दीवाना, ऐसा ही मैं हूँ दीवाना, हे ऐसा ही मैं हूँ दीवाना, ऐसा ही मैं हूँ दीवाना। जान से भी प्यारा तुम हो, मैं तो हूँ प्यार के मारे, जहाँ भी देखो तुम ही तुम हो, भीड़ में हूँ तन्हा खड़ी। तुम संग अब मरना जीना, एक जहाँ है तुम और हम, कौन सी दुनिया से तुम आए, तुम पे सब कुछ है अर्पण। ये रहना साथ अब देखो, नहीं होगी जुदा हम देखो, आज पूरी होगी अपनी ये आरज़ू। कौन सी दुनिया से आई, चांद से भी वो है प्यारी, सपनों में आए झुमका कह जाए। कदमों में तेरे हरियाली और एहसास बहारों का, पादा पादा मधगा तेरे पीछे मैं चला। अब हाथों में हाथ तेरा, नहीं कोई यहाँ है तीसरा, हंसी में है झरना, बिन तेरे न जीना। वो, 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 वो। हाय, यहाँ पर बैठे हो, आज क्लास नहीं है क्या? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें बेबी? उसकी माँ की बाबू, आज मेरी माँ की बरसी है बाबू।
आज तुम दुखी मत हो, ऐसा तो मैं तुम्हें नहीं कह सकता, लेकिन अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देख ले तो तुम समझ सकते हो उन्हें कितना दुख होगा। अगर तुम खुश रहोगी तो तुम्हें देखकर वो भी खुश होंगी। और ऐसे भी गॉन पीपल गुड, रिमेनिंग पीपल देयर मेमोरीज। हाँ, मैंने बस इतना कहा कि जाने वाले अच्छे होते हैं और जीने वाले उनकी याद में जिया करते हैं। हाँ, क्या बात है, मुस्कुरा दिया ना। आंटी, आपकी बेटी एकदम खुश है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बता दे उन्हें, अब तुम जल्दी से अपने क्लास में चली जाओ, बड़े दिनों बाद अच्छा काम किया। हाँ, बोलो। तुम हमेशा ही ऐसे खुश रहते हो, मैं अपने बर्थडे के दिन इतना खुश कभी नहीं हुई। इतना सब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं, ओके। बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे है आज, क्या बात है। जगास, हम दोनों के मिलने के बाद ये फर्स्ट बर्थडे, इसलिए मेरी तरफ से ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज होगी। आज लाख खर्च हो जाए तो भी कोई गम नहीं। आज फिर कोई मुसीबत आने वाली है। बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू। Baby, a small gift for you. Thank you. आज मैं 21 साल की हो गई हूँ और मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिला है। माँ के गुजरने के बाद सिर्फ तुम लोगों से ही मुझे इतना प्यार मिला। दुखी मत हो बेबी, आज से अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना इससे। हाँ, तुझे भी मैं दूं और इसे भी, और मुझे कौन देगा। हम सब है ना तेरे लिए। एक मिनट मेरे साथ चलो ना दोस्तों, थोड़ी देर में आता हूं। हाँ ठीक है। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे जोकर बना दिया। और किसको बनाएंगे? कहाँ लेकर जा रहे हो? घबराओ मत, मैं तुम्हें किडनैप नहीं करूंगा। बेबी, ये शारदा जी है, हेड नर्स। तुम्हारा जन्म इनके हाथों से ही हुआ, सबसे पहली बार तुम्हें इन्होंने छुआ है। कैसी हो बेटा? ये है बाबा साहब, इन्होंने तुम्हारी पढ़ाई में मदद की। बेबी, ये है सुभाष सर, इन्होंने तुम्हें अपना पहला अक्षर लिखना सिखाया। बेटी, तुम डॉक्टरी पढ़ रही हो, सुनकर बड़ी खुशी हुई। तो यही है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तुम्हारे लिए हम सब हैं, इससे आगे कभी माँ की कमी महसूस मत करना। चलो चलते। थैंक यू मास्टर जी, अपना ख्याल रखना। देखो, इन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग मुझे छेड़ेंगे। कहाँ जा रही हो? सबको लेकर आती हूँ। तुम्हारे इन्हीं अदाओं पर तुम्हें घायल हो। हाय, हाय अंकल। हेलो। टुडे इज माय बर्थडे। ओह, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। अ स्मॉल गिफ्ट। ओह, थैंक यू सो मच। बाय बाय। टीना कहाँ है? आज रीना, कल टीना साहब चलता भाई। आज मेरा जन्मदिन है। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। माइंड ब्लोइंग। तुम्हारा केक जब इतना टेस्टी है तो तुम कितनी टेस्टी हो। ये तमीज नहीं है क्या? ए, कहाँ जा रही हो? गिफ्ट नहीं चाहिए क्या? इसे रख लो। तमीज कहीं की। अरे यार, ये तो कुछ भी बोल देता है। ए, मेरे सामने अगर कोई बदतमीजी करता है तो मैं उसकी बैंड बजा देता हूँ। छेड़ता है तो चीर के रख देता हूँ। तो यहाँ पर अभी तक सही सलामत बैठा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बर्थडे है। अपनी जिंदगी को मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना। क्यों रे, मुझे मारेगा क्या? क्या नाम है तेरा? क्या समझता अपने आपको, तोप है क्या? अबे, तुझे मारने के लिए तोप की क्या जरूरत है? और गिफ्ट चाहिए,
और गिफ्ट चाहिए तुझे? ये ले, ये चाहिए, ये चाहिए। अबे तेरे तो बहुत भाई बनता है साले। बाबू, बाबू छोड़ दो। तुम चुप रहो। प्लीज पीछे जाओ। बाबू, बाबू छोड़ दो। तुम्हें मेरी कसम छोड़ो। उठ साले। ए, ये तो यूज एंड थ्रो है। अगर फिर से दिखाई दिया तो बजा दूंगा। और अगर तुझे मार खाने की इच्छा हुई तो आ जाना, तेरी बैंड बजा दूंगा। मेरा नाम विजय बाबू है, कभी बोलना मत। चलो अजय, ये लो। ये कैसी दादागिरी, जिसे चाहो उसे मारो। हाँ ए, इसमें बाबू की क्या गलती है? पहले उसने समझाया, नहीं समझा तो मारा। ये समझाने का तरीका होता है? उसने जो भी किया, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए था। इतना गुस्सा क्यों? वो लफंगे हमें छोड़ेंगे नहीं। क्या कहा? छोड़ेंगे नहीं? मुझे पागल समझती हो तुम? कल तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अब तुम मेरी हो। कोई तुम्हें कुछ कह रहा है तो वो मुझे कह रहा है। और इसलिए अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे तो मैं नहीं सह सकता। मैं ये बिल्कुल नहीं सह सकता। लेकिन मेरी बात तो सुन। ए, तुम सब मेरे दोस्त हो। तुम में से अगर किसी को भी कोई भी कुछ कह रहा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चीर डालूंगा। बात तो सुनो बाबू। बस, मैं नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहता। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। जो चाहे सोचना सोच। सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से आ रही हो तुम? पापा, वो मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी। चुप करो, मेरी खामोशी को मेरी बेवकूफी मत समझो। ऐसी कोई बात नहीं। चुप रहो। कॉलेज में फोन किया था, नहीं मिली। तुम्हारे फ्रेंड्स को फोन किया था, वहाँ भी नहीं मिली। सुबह से मैं तुमको फोन कर रहा हूँ, तुम्हारे फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी मनोज ने फोन करके बोला वो लोग कल आ रहे हैं शादी पक्की करने के लिए। पापा, मैं अभी शादी। चुप रहो, अपनी जुबान मत चलाओ, खाना खा के सो जाओ। क्या हुआ? कल मुझे कोई देखने आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ तो बोलो अजय। ए, ये रोज की मीटिंग से कुछ नहीं होगा, भगा के शादी करवा देंगे। मैं नहीं भागूंगी। मैं नहीं भागूंगी। तो फिर क्या करोगे? यहाँ तुम्हारा बाप किसी एनआरआई लड़के से शादी करा देगा तो फिर जिंदगी भर रोते रहना। और अपना दोस्त अजय देवदास बन के घूमता रहेगा। अबे रुक, क्या कह रहा है? सुनो माधुरी, तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह देख लेंगे। रो क्यों रही है तू? अरे देखने ही तो आ रहे, शादी हो रही है क्या? जाओ जाकर सो जाओ, हम है ना। अब तेरा क्यों मुंह लटका हुआ है? चल, टेंशन मत ले, मैं हूं ना यार, चल। बेटी, माधुरी को जल्दी जल्दी रेडी कराओ ना प्लीज। ठीक है अंकल। बुलाए मेहमान आना चालू हो गया, बड़ी शर्म लोग हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए? चीफ फेलो। चीफ है इसलिए तो फुकट में मेहनत करने आ गए। ठीक है। क्यों अंकल, जैसे आपने चाहा वैसे ही हो रहा है ना। मेहनत क्या है ना। क्या अंकल, इतना एंटीक गेटअप, लड़के वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे अमेरिकन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इतना पैसे वाला है, और आप उसको ऐसे मिलोगे अंकल? ये बहुत गलत बात है। क्या खराब है, अच्छा ही तो है। अंकल, अगर आप मॉडर्न कपड़े नहीं पहनोगे तो आपको गवार समझेंगे। हाँ, मेरे पास वो सब नहीं है। लेकिन मेरे पास है ना, आप टेंशन मत लो। चलो अंकल को ले चलते, चलो अंकल, चलो मेरे साथ। क्या कर रहा है रे? अरे बैठिए बैठिए अंकल, आराम से बैठो, हाथ में रखो। महेंद्र सिंह सुपर, क्या लग रहे हो अंकल? अरे कमिंग बैक, सिक्स पैक्स, रॉकिंग, थोड़ा शॉकिंग हमारे यहाँ। वेलकम वेलकम, हेलो हेलो हेलो, भाई साहब कैसे हैं आप? आई एम फाइन, प्लीज वेलकम वेलकम, प्लीज प्लीज, मोस्ट वेलकम। आप यंग और हैंडसम लग रहे हैं। नेचुरली, टाइम पर डाइट, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, मोर ओवर मन को सुकून और शांति से रखना, यही मेरा ग्लैमर का सीक्रेट है। आपका ड्रेस सेंस भी बहुत ही सुपर है भाई साहब। ऑफ कोर्स, क्रिश में ऋतिक रोशन जैसा अंकल। इट्स कूल बेबी, जरा माधुरी को आने के लिए बोलना बेटी। बैठो बेटी, फील फ्री। तो फिर
अमाउंट ओके है ना? सिली क्वेश्चन, एक ही बेटी है, सब कुछ तो सीखा है। क्या है? लड़की को संगीत का नॉलेज है ना? What do you mean? आपको पता नहीं, बेसिकली मैं म्यूजिक लवर हूँ, इसीलिए बेटी को भी संगीत सिखाया। ये लड़के लोग कौन हैं? कुक, क्लीनर, ड्राइवर, वॉचमैन, सिली वर्कर्स। लड़की हमें बहुत पसंद है, बहुत ही सुशील दिखती है। मैं कायदे कानून के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ। हाँ, गुड गुड। आप लोग जरा बात कीजिए, आई जस्ट कम। ओके। लड़की से कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। कहाँ चले गए? हाँ? अब आएगा मजा। अंकल कहाँ पर हो आप? अंकल, अंकल क्या हुआ अंकल? मेरा बेटा नहीं है। अच्छा, इस हालत में तुम ही मेरा सहारा हो बेटा, प्लीज। वो लोग चले जाने तक तुम्हें मुझे संभालना होगा। क्या अंकल? प्लीज बेटा, ये तुम्हारी बहन की शादी समझ के थोड़ा मेरा साथ दो प्लीज। हाँ, मेरी मदद करो, वो लोग जाने तक मेरा साथ रहना प्लीज। तो इसलिए तो ये सब कुछ किया। मेरा मतलब आपको लेने के लिए। चलो चलते हैं अंकल। बहुत दर्द हो रहा है। शुरू शुरू में ऐसा होता है अंकल। I see, pain is natural. मेरा बेटा 4 साल से टेक्सास में जॉब कर रहा है, परमानेंट जॉब। इसका ग्रीन कार्ड भी आ गया है। क्या हुआ भाई साहब, आपका चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अरे बैठिए बैठिए, प्लीज 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 बैठिए। अरे खड़े मत रहिए, आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, बैठिए बैठिए। क्या हुआ, क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ, क्या हुआ, बताइए तो सही। कुछ कॉमन सेंस भी रखना पड़ता है। मेरे घर में आके मुझे बैठने के लिए कह रहा है भाई साहब। चुप, कौन है भाई साहब? तू मेरी बहन का पति है या मैं तेरे बहन से शादी किया है? भाई साहब, भाई साहब किए जा रहा हूँ। अंकल जबान संभाल के बात कीजिए। तेरी, तू होता कौन है मेरी बेटी से शादी करने वाला? बाबू निकल लो इन सबको बाहर। पप्पू ने आज की मीटिंग के लिए बहुत मेहनत किया, लगता है उसका काम बन जाएगा। अबे ओए, एक बार अगर उसकी कहानी कोई सुन ले तो फट से चांस दे देगा उसको। एक गुड न्यूज है यार, जस्ट प्रोड्यूसर का फोन आया था, उसने हाँ कर दिया यार। अरे मामला जम गया यार, कल बड़े हीरो से मिलने जा रहे हैं। अगर उसे स्टोरी पसंद आई तो मैं डायरेक्टर, कल बहुत ही बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा, हमें भूल नहीं जाएगा ना यार। ऐसा मत बोल यार, तुम लोग तो मेरे जिगरी दोस्त हो, मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। ए छोटू, और एक चाय। अभी लाया। ये बात बेबी और माधुरी को पता चल जाए तो खुशी से पागल हो जाएंगी। उन दोनों को सरप्राइज देंगे, प्लीज यार। यार सॉरी, बहुत बार मैंने तुझे डिस्करेज किया। छोड़ यार, दोस्ती में तो ये सब नोकझोंक चलता ही रहता है ना। मैं बुरा नहीं मानता। पप्पू गिव योर बेस्ट यार, दिखा देना सबको। मैं एक बढ़िया फिल्म बनाकर दिखाऊंगा, 8 साल तक इंतजार किया है मैंने, अभी करके दिखा दे। अब हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरे माँ बाप का सपना भी पूरा हो जाएगा दोस्त। अबे तुझे पता कैसे मारा जाता है? ऐसे मारा जाता है। अबे बेवकूफ, तुझे कुछ ज्यादा मार रहा, तुझे मैं सिखाता हूँ। इसने कहते मार रहा। नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं इसे खत्म कर दूंगा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? सिस्टर जल्दी।
उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? हम लोग हैं ना उसके दोस्त। स्कल फ्रैक्चर हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, एक घंटे में ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। एनओसी पे साइन कीजिए, ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन में खर्चा कितना होगा? 5-6 लाख का खर्चा है। 5-6 लाख? डॉक्टर 5 लाख में सब हो जाएगा ना? हेलो मामा जी। क्या है मामा जी? मुझे अभी 5 लाख रुपए चाहिए। क्या कहा? तू यहाँ से जाने से पहले यहाँ तिजोरी छोड़ के गया था क्या? पैसे वैसे नहीं है? मामा जी प्लीज, मामा जी, मामा जी प्लीज। तेरा बाप का माल है क्या? ये क्या कह रहे हो मामा जी? मेरी जायदाद है ना। कुछ नहीं बचा, कान खोल कर सुन ले। तेरे बाप ने जो जमीन छोड़ के गया था उसको तो तूने दारू में कपड़ा उड़ा दिया। रह गया मेरे सर पे रखा, 100 रुपया चाहिए तो लेके जा, तुरंत मिल जाएगा। इतने दिनों तक तू हमारे रहमो करम पे जिंदा रहा। अब वो सब क्यों कह रहे हो मामा जी? मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम जो चाहोगे मैं करूँगा। गाँव वालों के सामने तुमसे माफी मांग लूंगा। मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है, पैसे नहीं मिले तो वो मर जाएगा। प्लीज मामा जी। ए, तेरे जैसा निकम्मा नाला है किसी काम का नहीं, आइंदा फोन मत करना। फोन रख। मामा जी, मामा जी। ये क्या अजय, यूएस वीजा के लिए 3 साल से पैसे भर रहे हो? जानता हूँ सर, और दोबारा मैं पैसे भर भी दूंगा, पर उसकी जान बचाना जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ अजय, लेकिन सारे पेपर सबमिट हो चुके हैं। नथिंग इज इन माई हैंड, आई एम हेल्पलेस। तेरी पगार उतनी है क्या? हाँ सर, मैं जिंदगी भर फ्री काम करूंगा सर। मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है सर, ऑपरेशन नहीं किया तो मर जाएगा। मर जाएगा तो एक काम कर, ये 5,000 ले जा, उसके श्राद्ध में काम आएंगे। क्या कहा तूने कमीने? गेट आउट। मेरा कॉलर पकड़ता है, लोन मांगता है, कहां से चुकाएगा इसका पता नहीं। मुंह उठाकर चला आया पैसा मांगने के लिए। किधर जा रही है? पप्पू का एक्सीडेंट हुआ है हॉस्पिटल में। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, घर की जेवर गिरवी रखने जा रही है, अंदर रख क्या? सर मेरी माँ ने मेरे नाम पे ये एफडी बॉन्ड्स खरीदे थे सर, प्लीज इन्हें गिरवी रख के इसके अगेंस्ट लोन अरेंज करवा दीजिए, बहुत अर्जेंट है सर। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। देखो बेटी, ये 5 ईयर कैपिटल गेन स्कीम में है, प्री पेमेंट के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। प्लीज कोशिश करके देखिए सर। हो नहीं पाएगा बेटी, सॉरी। हमसे हो नहीं रहा, उसके बाबूजी को फोन करके बता देंगे। क्या कहेंगे? अगर हम में से कोई इस हालत में होता तो क्या वो भी ऐसा सोचता? क्या कर सकते हैं, वो मेरा भी तो दोस्त है, सब कुछ ट्राई करके देख लिया। तुम ही कहो ना, अब क्या करेंगे हम लोग? कहीं से उधार मिल सकता है, लेकिन हमें कौन देगा? एक है जो हमारी हेल्प करेगा, वो हमें पैसे तो दे देगा, पर वक्त पर पैसे वापस नहीं किए तो मार डालेगा। ठीक है, पप्पू के लिए ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। हम सबके होते हुए पप्पू को कुछ नहीं हो सकता, और हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। चलो रुक, जाने से पहले एक बार फिर से सोच ले। सोचने और समझने के लिए बिजनेस होता है, फ्रेंडशिप नहीं। क्यों रे, रुपये मांगे तो नखरे दिखा रहा है क्या? भैया जल्दी क्या है? तेरे को जल्दी नहीं है ना, तो फिर तेरे भाई को ऊपर भेज देता हूँ। भैया भैया, अभी दे दूंगा भाई, मेरे भाई को छोड़ दो। ए, किडनी का क्या भाव चल रहा है मार्केट में? 20,000 भाई, इसका निकाल के भेज दे तू। नहीं भाई, आधे घंटे में नहीं आए ना तो चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा तेरे भाई को, तू समझ रहा है ना मेरी बात को? तू ताबड़तोड़ पैसे लेकर यहाँ पर आ जा। ठीक है भाई। क्या हुआ रे भाई? वो प्रकाश कहीं भाग गया भाई। मैंने पहले ही कहा था कि उसने पैसे नहीं दिए तो उसे उड़ा देना, अब वो यहाँ से भाग गया तो पैसे कौन देगा? तेरा बाप। हमारे धंधे में ये सब नहीं चलता है, अब हम सब उसे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे बोलो? और कोई काम नहीं है क्या? तो उसके घर पर कौन कौन है रे? उसकी बीवी है लेकिन वो प्रेग्नेंट है। तो फिर जाके उसको पकड़ के लाना। अरे ये खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? ठीक है भाई। ललन भाई नमस्ते। क्या हुआ करण? मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है भाई, थोड़े पैसे चाहिए। कहानियां छोड़, कितना चाहिए और कब वापस देगा बोल। 5 लाख भाई। 5 का 50,000 हफ्ते का, मंजूर हो तो बोल। भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई। मैंने तुझे पहले ही कहा था अगर पैसे वापस नहीं मिले तो किसी की जान लेने से मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता हूँ।
समझ गया ना भाई, गलती हो गई तो भाई। कान खोल के सुन ले, जैसे इंसान को जीने के लिए सांस की जरूरत पड़ती है उसी तरह पैसों की। अब तू पैसे लेकर आया है ना, तो अब तू अपने भाई को अपने साथ लेके जा सकता है। ए! इसके भाई को छोड़ दे, अब इधर का मैटर देखता हूं। तुम लोगों को समझ में आया? एक हफ्ते का 50,000 लेकर जाओ पैसे। थैंक्स भाई। ए, इन पे नजर रखो। ये लीजिए पैसे पप्पू, रूम नंबर 4 स्टार्ट करवाओ। चल चल। His condition is stable, पर सर पर 35 stitches लगे हैं। Right now he's unconscious, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जब तक उसे होश नहीं आता, हमें उसे observation में रखना होगा। So he's in the ICU, आप लोग जाके देख सकते हैं। Thank you sir. Thank you sir. क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा है आज इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। बैठिए सर, आज डिस्चार्ज करेंगे कहा था। बैठिए ना। या आज आपके दोस्त की हालत ठीक है, सारे टेस्ट रिपोर्ट्स बहुत ही नॉर्मल हैं, सो आई थिंक ही शुड बी फाइन। थैंक यू सर। आप लोगों ने ऑपरेशन के टाइम पे काफी पैसे दिए थे, यहाँ रुक के और खर्च मत कीजिए, घर पर ही रुककर ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? रिस्क होता तो मैं डिस्चार्ज ही नहीं करता, ऊपर से आप दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नो प्रॉब्लम। 20 दिन बाद MRI रिपोर्ट निकालेंगे, फिर आगे का ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग अर्जेंट, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, कॉल मी। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। बाय सर। आपका दोस्त खुशनसीब है, आप जैसे दोस्त जो मिले, ऑल द बेस्ट। क्यों रे, अभी तक तेरा एक हफ्ता नहीं हुआ क्या? भाई 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 भाई, अभी हॉस्पिटल से आए, 2-3 दिन में दे देंगे। क्यों रे, तू मुझे घोंचू का ढक्कन समझता है क्या? तेरे जैसे कितनों को मैं रोज देखता हूँ, समझा? भाई हेल्थ प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम दे दो ना। तुझसे मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे कहानियां सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। भाई प्लीज भाई, समझिए। जो मेरे घर की खिड़की तोड़ा है मैंने। क्या रे हीरो है क्या? मैं कौन हूँ पता है? आई एम ओनर ऑफ दिस हाउस। तो फिर आई एम ओनर ऑफ दिस हाउस। आई विल पुट केस ऑन यू। अगर मैं केस डील करता हूँ ना, तो पुलिस वाले भी बीच में आने की हिम्मत नहीं करते हैं। 6 लोगों को काट के फेंक दूंगा, पार्ट पार्ट करके बाजार में बेच दूंगा मैं। इसमें मेरा और मेरी बेटी का कोई हाथ नहीं है। प्लीज भाई प्लीज, हेल्थ प्रॉब्लम कह रहे हो ना, इसलिए 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। रुपए वापस करो नहीं तो मरो, अब तुम लोग सोच लो। कुछ करते कर देंगे। अभी क्या, अभी रूम खाली करो। रुपए जब तक मुझे वापस नहीं दोगे, ये शहर छोड़ के नहीं जाओगे, नहीं तो तेरे को भी मार डालूंगा। जाने मत देना इनको। 2 दिन, 5 लाख, नहीं तो 6 खून, डिसाइड कर लो। ललन हमें छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। मारने तो
हमारा पप्पू तो बच गया ना? हमारा पप्पू तो बच गया है, लेकिन हम लोग कैसे बचेंगे वो तो सोचो। उससे पैसा नहीं लेना चाहिए था, अब हम पैसे कैसे चुकाएंगे? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ये क्या कहा तूने? मेरी वजह से ललन हमारे पीछे पड़ा है? ए, वो सही तो कह रहा है। हम लोग ने कब कहा उधार लेने के लिए? तूने अपने मन से उधार लिया, तेरी वजह से हालत हुई है। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। क्या करते थे तुम लोग? चोरी करते, बैंक लूटते, कुछ भी करते, ये नौबत तो नहीं आती। तब नहीं की तो क्या हुआ, अभी तो कर सकते हैं। पागल हो गया क्या? तो फिर ललन को ठोक दे दे। मुश्किल लग रहा है, अगर नहीं किया तो हम लोग मरेंगे। चोरी करने के सिवा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है लाइफ में, और फिर रिस्क लेंगे तो ही जिंदा रहेंगे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन चोरी नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, हमें ये करना ही होगा अपनी फ्रेंडशिप के वास्ते। अगर हम लोग यहाँ से भाग गए तो वो कमीना ललन, माधुरी और बेबी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो बताओ, चोरी के सिवा हमारे पास कोई और रास्ता है? है तो चोरी नहीं करते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो दिन का टाइम है। जो भी हो, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अलावा हम और कुछ करें? तू क्या बक रहा है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, नहीं तो सब मारे जाएंगे। ठीक है, तुम लोगों की मर्जी, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। तू बता, ये फट्टू तो सुनने वाला है नहीं, कब करेंगे कैसे करेंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। खतरा बहुत है, सिक्योरिटी वहां पर एकदम टाइट होगी। हमारे ऑफिस में करेंगे वो सही रहेगा। हमारे ऑफिस में? हाँ, एटीएम सेंटर्स में पहुंचाने वाली कंपनी हमारे शहर में बहुत सारी है, उनमें से हमारी एक है। एवरी मॉर्निंग ड्यूटी वहां पर चेंज होती है, उस वक्त सिक्योरिटी कम होती है, वो टाइम बेटर रहेगा। नहीं, जरूरत नहीं, बताएंगे तो डर जाएंगी। ए, सिर्फ आधे घंटे का तो काम है, लड़कियों को बताने की जरूरत नहीं है। ए, वो यहीं आ रही हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? कल कहाँ से पैसे लाओगे? कुछ सोचा है तुम लोगों ने? कुछ कहो अजय। ए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग देख लेंगे क्या करना है, तुम लोग जाओ यहाँ से। अजय इसकी छोड़ो, अब तुम ही कुछ सोचो, ये लास्ट मिनट तक टेंशन लेगा और कुछ गलत ही करेगा। क्या कहा? गलत करूंगा मैं? तुझसे प्यार करके गलत किया मैंने? पुकार के टेंशन मत दो, हमें क्या करना है हमें अच्छी तरह से पता है। देखो, ये हमारा प्रॉब्लम है, हम ही सॉल्व करेंगे, तुम लोग जाओ। ठीक ही तो बोल रही है। फट्टू कहेगा, मेरी बात को समझो। तुम समझो, हम कल तक झक मार के पैसे लाएंगे और उस ललन के मुंह पर पैसे मार के आएंगे। हटाओ, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। बेबी सुनो, क्या हुआ? रुक यार, मेरा फोन कहाँ गया? अरे यही होगा, चल तू। अरे चल जल्दी। रुको, मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं हूं तो वो लोग मुझे पहचान लेंगे, और ऊपर से एमडी से मेरा झगड़ा भी हुआ है। हा? अगर तू नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ए तो चुप कर, वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, उसे वो लोग पहचान लेंगे। इस प्लान पर हम दोनों को ही काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात तो सुन। चुप रे। तो सुन, तू निकल, आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। ओके, फटू चल चल।
यहाँ सीसी कैमरा तो नहीं होगा ना? नहीं होंगे। चल ये क्या, यहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं है। उसने तो कहा था कि वही तो। हे, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, चल यहाँ से। ए, ए, चल, क्या हुआ? जल्दी चल, चलाने का। सर, वो हमने हमने कुछ नहीं किया। सर, लॉकर में पैसे नहीं है। बीस करोड़ गायब है सर। 20 crores? मूव। आप जरा पुलिस स्टेशन आइए। विजय बाबू, उत्तर प्रदेश, लेकिन मैंने चोरी नहीं की सर। तुम्हारा नाम? सिटी में सब जगह रेड अलर्ट कर दो सर। सब चेक पोस्ट के पास सिक्योरिटी बढ़ा दो। ओके सर। एक पैसा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। सब ऑफिसर्स को SMS कर दो। ओके, मूव। ओके सर। आप बताइए कैसे हुआ? गलती मान लो, नहीं तो मार मार कर एक एक पैसा निकालूंगा। सर, हमारी बात का यकीन कीजिए। सर, 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 ए डंडा दे। चोरी करते हुए पकड़े गए इन दो अपराधियों को 30 दिन की रिमांड पर पुलिस कस्टडी में भेजते हुए इस केस की सुनवाई अगले महीने की 15 तारीख को होगी। चलो चलो अंदर, चलो चलो। तो पेट ठीक से रखो। जी सर। मेरी नहीं घोंचो तुम्हारी। ओके सर। चल सर, ये दीवार के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था। नहीं सर, मैं तो दीवार की जांच कर रहा था। ए, ये देखा है ना, डाल दूंगा। आगे सुरेंद्र मोहन, मर्डर केस। जरा देना। लीजिए सर। अरे ये फाइल नहीं, लाठी दे। लाठी? मेरी नहीं खोचू तेरी। ये लीजिए सर। क्यों किया था रे? आपके नशे में। तू नशे में कुछ भी करता रहेगा क्या? अब जब तेरे को मारा, कितना दर्द हो रहा है तुझे? तो मैं अभी लोटिया पठान डकैती केस। MLA का लेफ्ट हैंड हूँ, जरा सोच लो। MLA का बायां हाथ हूँ।
एमएलए का लेफ्ट हैंड हूँ, जरा सोच लो। क्या उसका छोटा था, वो खुद नहीं करता था? कान खोल कर सुन लो, तुम लोगों ने बहुत देखा होगा लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं। मेरे सामने कोई गलती मत करना। डॉन नंबर वन से लेकर बदमाश नंबर वन तक सबको सीधा किया मैंने। यहाँ ओनली एंट्री है, एग्जिट बिल्कुल नहीं। यहाँ सब कुछ मेरे इशारे पे चलता है। कुछ भी गलती हुआ तो सीधा अमरीश पुरी के पास भेज दूंगा। आज तक मैंने कोई गलती माफ नहीं की। एक भी गलती हुई तो मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना। तो अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो संभल के रहना, समझे? विजय बाबू एंड अजय, इन लोगों का क्या हिसाब किताब है? 20 करोड़ की रॉबरी की है। सर, इन दोनों को अंटा सेल में डालो, बाद में निपटता हूँ। ओके सर। मे आई कम इन सर? इसे तो ऐसी फिगर है कि जैसे इसके घर में चोरी हुई है। क्या हुआ रॉबरी केस का, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला क्या आपको? सर, 4 लड़के थे, उसमें से एक कोमा में है, 2 लोग पकड़े गए, एक भाग गए। हम बहुत जल्दी उसको भी पकड़ लेंगे सर, स्पेशल टीम को भेजा है। सिटी से बाहर जाने वाले सब रास्ते पे सिक्योरिटी बढ़ा दिया, हर एक की चेकिंग करने के लिए मैंने ऑर्डर्स भी दे दिया। ये लीजिए रिपोर्ट। इसका मैं क्या करूं, अचार डाल के खाऊं क्या? आपकी मर्जी। कोमा में जो है उसने कुछ कहा क्या? कोमा में है, कैसे बोलेगा सर? अरे मेरा मतलब है कोमा से बाहर कब आए? बहुत सवाल करता है। अब आप क्या करेंगे? फोरेंसिक रिपोर्ट आते ही सर लाइट डिटेक्टर एग्जामिनेशन करेंगे। कब करोगे? जब वो पैसे लेके फॉरेन चले जाएंगे तब करोगे? पैसे मिलेगा तो आधा तो तू ही खा। सर, झुकाने से कुछ नहीं होने वाला। तुम मेरी बातों का जवाब दो, क्योंकि मुझे भी ऊपर जवाब देना होता है। जाइए, 1 वीक का टाइम देता हूँ। यस सर। इसी रूम में बैठ के ऑर्डर देना बहुत आसान काम है, बाहर धूप में घूमेगा तो पता चलेगा क्या है। ए चिकने, आ इधर आ, इधर आ, इधर आके बैठ। आ जा, आ जा। अरे बैठ बैठ, खा खा, आराम से खा। ए इनको एक्स्ट्रा अंडा दे, दो दो दे। खाओ भाई। चिकने, तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बताता हूँ। तुम लोगों ने जो बैंक रॉबरी किया ना, उसमें से 1,00,000 रुपया मुझे दे देना। अरे क्यों अपनी जिंदगी जेल में बर्बाद कर रहे हो, बाहर जा कैश करना। भाई वो चोरी हमने नहीं की है, ये एक्स्ट्रा अंडा आप ही खाओ। अरे चिकने, एक बार सोच के देख ले। हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, और उस करण ने भी हमें धोखा देकर भाग गया। हमें पूरी लाइफ यहीं बितानी होगी। हमारी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता, और यहाँ सब पैसे कहाँ है, पैसे कहाँ, ये कहकर पागल कर देंगे। और अब जेलर भी हमें पूछेगा, यहाँ सब के सब एक जैसे। क्यों रे, मच्छर काट रहा है क्या? ए, तुम लोगों ने जैसे जैसे सोचा था वो परफेक्ट प्लान अगर सक्सेस होता तो इस वक्त तुम दोनों मिलकर बैंकॉक में इधर एक आइटम उधर एक आइटम दोनों बगल में दबा के मसाज का मजा लेते रहते, फुल मस्ती में एंजॉय करते रहते। सर, सर, हम लोग सच कह रहे सर। सर, हम लोग ने वो चोरी नहीं की है। बैठ सीधे, एक्स्ट्रा मत बोलो। तुम दोनों रंगे हाथ पकड़े गए हो। बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन हमारा एक और साथी था जो हमें धोखा देकर भाग गया सर। अरे तेरे फेस पे तो सारी दुनिया के लुटेरों का मैप बना हुआ है बच्चे। इसमें मेरी क्या गलती है? और तुम्हारा वो साथी वो लुटा हुआ माल लेकर कहीं दूसरी जगह तुम लोगों का इंतजार कर रहा होगा, है ना? ऐसा हो सकता है क्या सर? तेरा उम्र क्या है? 24 सर। गए काम से, ये छोटी सी उम्र में इतना पैसा लेकर क्या करेगा? फिल्मों में पैसा लगा सकते थे, लेकिन अभी हिंदी फिल्मों की मार्केट जरा टाइट है। अभी पैसा बिल्डिंग बनाने में डाल दे, इन्वेस्ट कर डाल। मेरी बातों को जरा ध्यान से समझ लो। इस जेल में जितने दिन रहोगे हैप्पीली रहोगे, विथ ऑल फैसिलिटीज। सिर्फ बाहर जाने को नहीं मिल पाएगा, अंदर पूरी छूट है। सोच के बता क्या करना है। ओके सर, डील पक्की समझो। बहुत होशियार लड़का है तू। ओके, और अब हम लोग पार्टनर्स हैं। इनको 5-स्टार ट्रीटमेंट दिया जाए। ए, क्या तू पागल हो गया? ये एग्रीमेंट की क्या बात कर रहे हैं? छोड़ रे, अपने पास पैसे है नहीं, ये कोई नहीं मानेगा।
कल क्या होने वाला है वो पता नहीं है, कम से कम आज तो चैन से जी लेंगे। लेकिन बाबू मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। चुप है फट्टू, पुलिस से ज्यादा तू परेशान कर रहा है। पता नहीं दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। ए, अंदर हो क्या? अरे भाग गए क्या? जेलर साहब ने कहा है तुम लोगों को 5-स्टार ट्रीटमेंट दिया जाए। क्या चाहिए सर, टी या कॉफी? जो आप पिलाएंगे पी लेंगे सर। चलो, जेलर साहब ने तो तुम लोगों को छोड़ दिया है लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए सर। अरे तू इधर आ, मेरे साइड में, सेफ्टी के लिए। कहिए सर, हमें क्या काम करना होगा? नहीं नहीं सर, आप तो बैंक रॉबरी करके आए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ससुराल में आपका दूसरा दिन है, जेलर साहब आपका इंतजाम करने में बिजी है, तब तक टाइम पास कर लेते हैं। अमेरिका जाने वाला था और तूने हथकड़ी लगवा दिया, तू तो सुपर है बाप। ए, क्या रे, कपड़े ठीक से धो नहीं सकता? धो डालूंगा, समझा ना? समझा, समझा मेरी बात को, समझा ना, नहीं तो आगे से मर जाएगा। ए, जो भी नाना भाई की बात नहीं सुनेगा, नाना भाई का काम नहीं करेगा, तो याद रखना एक एक को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं बहुत खतरनाक आदमी है, यहाँ रहना है तो वॉइस करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। इस जेल का बादशाह हूँ मैं, ये मेरी जागीर है, समझ गए ना? कोई मस्ता गाना लगा। जेलर हम सबका बाप है या उसका भी बाप है? सुन, ये कौन है? इसका नाम नाना है, शहर का सबसे बड़ा भाई है, कब्जा चोरी डकैती बैटिंग जेल के अंदर बैठ के करता है और करवाता है, इससे सब लोग डरते हैं, तुम लोग भी जरा इसे संभल के रहना। भाई, नाना भाई। कौन है बे? भाई करीना के फैन है क्या? तेरे को क्या करना है? वो क्या है भाई, मैं करीना को जानता हूँ। क्या बोला उसने? वो करीना को जानता है ये बोल रहा भाई। अरे करीना को इज्जत करना भूल गया तू? सॉरी भाई, वो बेबो के बहुत क्लोज है भाई। इधर आ। क्या किया रे तू? 20 करोड़ के बैंक रॉबरी केस में अंदर आया भाई। ऐसा क्या? हाँ भाई। ए, क्या नाम है तेरा? बाबू भाई। अरे भाई क्या क्या भाई बनता है? मैंने कहा मेरा नाम बाबू है भाई, और आप तो भाई है भाई। अभी इसको क्या बोला तू? वो मैं करीना, करीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तेरी तो वही बेबू बेबू। बैठ इधर। खड़ा ही ठीक हूँ भाई, ये फिर मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है? आप मारोगे तो नहीं ना? बोल, करीना को कैसे जानता है तू? वो मेरा दोस्त असिस्टेंट डायरेक्टर है ना, उसने मिलवाया था। क्लोज है? बहुत क्लोज। छू के देखा था क्या? वो बस 2-3 बार, बस उससे ज्यादा नहीं। उठ जा, उठ जा। वो हम लोग क्लोज फ्रेंड्स है ना, तो कभी कभी हो जाता है, बस ज्यादा नहीं। इसमें तेरी गलती नहीं है बेबो, इतनी कमाल की है कि हो जाता है। सॉरी भाई बेबो, आपसे शादी कर लेगी तो सैफ का क्या होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे पसंद है वो। अच्छा बाबू, कुछ बताना उसके बारे में। कुछ क्या, बहुत कुछ बता सकता हूँ। बहुत शर्मीली है, कोई कुछ मांग ले दे देती है। क्या? यानी हमारे ही रूम में उसी की दी हुई सारी चीजें हैं। ओ वैसे करीना, अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? मजा आ जाएगा, लाइफ सेटल हो जाएगी। उसके कांधे पे हाथ रख के, आंखों में आंखें डाल के, बस एक फोटो निकलवानी है यार। ठीक है भाई, मैं हूँ ना, दिलवा दूंगा। एक बार मिलवा दिया तो बहुत मेहरबानी होगी तेरी। क्यों नहीं? ए, साला कपड़े ठीक से धो ना, नहीं तो मैं तेरे को चला दूंगा। तो रियाज करो भाई, इसकी हालत वैसे ही पतली है, ये हमारा क्या ख्याल रखेगा भाई, इसे बस एक मौका दे दो, बस एक मौका। ए, अभी तू भी ज्यादा बोल रहा है, बेबू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आज से तेरा सारा काम मेरे आदमी करेंगे, तू जाके सो जा, ओके? तू आराम कर जाके, जा। जब भी मेट मैंने 100 बार देखी है। ए बाबू, तू आ राजा इधर। क्या रे जेलर, बाबू से काम है क्या? दादागिरी करता है। बस थोड़ी देर में आया भाई। उसने तेरे को काय को बुलाया?
वो क्या है सर, कैटरीना के फैन है। सर 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 सर, ये सब एग्रीमेंट वगैरह बहुत जरूरी है क्या सर? वो क्या है, पैसे हमारे पास तो नहीं है, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। सर 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 सर, अभी इतनी जल्दी क्या है, 2-3 साल बाद एग्रीमेंट कर लेंगे तो कैसा रहेगा सर? ये बहुत ही अड़ियल है, बात ही नहीं मान रहा अपनी। इसकी तो मैं बुढ़ापे में ना सटिया गया है। अरे तू चुप करना, तू अंदर जाओ। यानी सर वो सर, जल्दी जाओ, रुक जाओ, अंदर का मैटर जल्दी फिनिश करके आओ। अजय, माधुरी ये चोरी मैंने नहीं की है। जानती हूँ तुम ऐसे करने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये सब हुआ कैसे? उस लल्लन के पैसे लौटाने के लिए और कोई चारा भी नहीं था। करण ने हमें धोखा देकर वो सारे पैसे लेकर पता नहीं वो कहाँ फरार हो गया है। तो आप? अब क्या बचा है, सब कुछ तो खत्म हो गया। चुप हो जाओ दोनों। छुओ मत। कुछ भी करूंगा, कैसे भी करूंगा, लेकिन अपने दोस्त को बचा लूंगा, यहाँ तक कि चोरी भी करूंगा। मतलब तुम भी मुझे अभी चोर समझने लगी हो क्या? आने तो क्या, क्यों गए थे वहाँ? बोलो, जवाब नहीं है ना? अब कुछ बचा है बोलने के लिए झूठ के सिवा? ए, मैंने तुम्हारे साथ कोई झूठ नहीं बोला है। हाँ चोरी करने गए थे, लेकिन की नहीं। तुम्हें इससे क्या, तुम्हें क्या दुख है? मतलब मुझे इस बात का दुख नहीं? बिल्कुल नहीं है, अगर होता तो इस वक्त हमारा साथ देती। हम लोगों ने जो कुछ भी किया दोस्ती के लिए किया, तो वो सही था? सही गलत नहीं पता, एक बात बता, 2 दिन अगर हम लोग कहीं और काम करते तो हमें 5 लाख रुपए मिलते? नहीं मिलते यार। अरे भाड़ में क्या ये सब, तू बता, तू मुझ पर विश्वास करेगी या किसी और पर? अच्छा, इसका मतलब तुम चोरी करोगे, डकैती करोगे और हमें शाबाशी देकर गले लगाना होगा? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरी शाबाशी मुझे। तू होती कौन है, ये कैसा रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ? इस लड़की को देखो, देखो देखो कैसे रो रही है अपने आशिक के लिए, और तुम देखो। ये तुम क्या कह रहे हो? कहना वहना अभी कुछ नहीं बचा है, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। तू चल मेरे साथ। ए बाबू, ये तू क्या कर रहा है? छोड़ यार, तू इस लड़की को नहीं जानता है, यहाँ पर आके अपना लक्ष्य छा रही है। चल निकल जा यहाँ से। हाँ, अपने हॉस्पिटल में जा, जा वहाँ पर, वहाँ पे जाके अपने डॉक्टर छा, ले जा इसको पागल खाने में, मेंटल दिमाग का सही कर दिया। जाओ माधुरी, उसे मैं समझा दूंगा, तुम इसे ले जाओ, मैं बाबू से बात करूंगा। चलो। देखो मेरा नाम बाबू है, तुम्हारा बेबी। बाबू वेट्स बेबी, सुपर आइडिया है ना? आंटी, आपकी बेटी एकदम खुश है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आगे कभी माँ की कमी महसूस मत करना। कल तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अब तुम मेरी हो। बेबी मुझ पर यकीन करके इतनी दूर आई हो, अगर मैंने कुछ कर दिया तो? तो कर लो ना, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। बिछड़ के नहीं जीना, रहना नहीं है तुम बिना, तुम संग है साथ जीना और मरना। तुमसे बिछड़ के ना जीना, रहना नहीं है तुम बिना, तुम संग साथी है जीना मरना। ये जाए हर रहना, बेचैनी ना सहना, चार हुए दो नैना, तेरे बिन जग सुना। तुमसे बिछड़ के नहीं जीना, रहना नहीं है तुम बिना, तुम संग है साथ जीना और मरना। मन का आलम कह न सके हम,
चाहूं हरदम संग जीना, प्यासा मैं हूँ हाल दिल रख दूं सामने तुम्हारे ना डरना। तेरी मेरी प्रेम की कहानी चारों ओर मौजू की रवानी, तरसे हाय मेरी जवानी बस कर हो न जाए नादानी। देखो दहक उठी है चिंगारी और न मुझे तड़पाना, तुम्हें दिल देके कर ली दिल लगी मुझसे छोड़ो शर्माना। बीत जाए हर रहना बेचैनी ना सहना, चार हुए दो नैना तेरे बिन जग सुना। क्या होगा कोई जाने ना, प्यार का घूंघट ओढ़ लेना, दरिया बहता लगे कोई कविता, कवि बन जाऊं कह दो ना। बज दिल में प्यार की रागिनी बन जाऊं मैं तेरी योगिनी, इतनी प्यारी सनम कैसे संभालूंगा मैं, तुम्हें भर के मेरी इन बाहों में लब को सजा दूंगा मैं। बीत जाए हर रहना बेचैनी ना सहना, चार हुए दो नैना तेरे बिन जग सुना। तुमसे बिछड़ के नहीं जीना, रहना नहीं है तुम बिना, तुम संग है सत जीना। सब जगह ढूंढो सर। ए, तुम लोगों को कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला सर, ऑफिस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के अलावा मिलेगा, मिलेगा। जरा ठीक से ढूंढ के देखो। क्या बात है सर? क्यों रे, इसमें तेरा भी हाथ है क्या? हाथ तो क्या है सर, मेरा तो अंगूठा भी इसमें नहीं है। अच्छा, ये क्या है? इफ यू डोंट रिस्क एनीथिंग यू रिस्क इवन मोर। हां, लड़कों को तूने अच्छी तरह ट्रेनिंग दिया है सर। सर ये मिला है सर। ये तो ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर? ब्राउन शुगर नहीं है सर, ये तो ग्लूकोज का पाउडर है। ए, तुम लोग घर की तलाशी लो, ठीक से देखो, छप्पे छप्पे छान मारो। मेरे पैसे लेकर उन लोगों को जेल में छुपा दिया तूने? ए, कौन है रे तू? सर, इसी के उधार के पैसे लौटाने के लिए उन लोगों ने चोरी का प्लान बनाया था। क्यों रे लड़की, उससे शिकायत कर रही है? ये क्या बहुत बड़ा तोप है क्या? क्यों रे, पुलिस के सामने धमकी दे रहे हैं? इन लोगों ने तेरे पैसे लिए हैं, क्या सबूत है? इन लोगों ने 20 करोड़ की चोरी की है तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम जैसे उनको ढूंढ रहे हो, मैं भी उनको ढूंढता फिर रहा हूँ। क्यों रे, पैसे तू देगा या वो लोग देंगे मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे मेरे 5 लाख चाहिए, 2 दिन बाद फिर आऊंगा, नहीं मिले तो तेरे घर को तुझे ही रेंट पर दे दूंगा। मतलब ये लोग पब्लिक को, पुलिस को, दोनों को धोखा दे रहे हैं? नहीं सर, वो लोग ऐसे नहीं है। तो फिर कैसे है बोलो? तो पैसे कहाँ गए बोलो? इसकी हालत अभी कैसी है? इसे भी अभी तक होश नहीं आया। जल्दी से इसे होश में लेकर आओ, नहीं तो पुलिस का ट्रीटमेंट देंगे। ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? ए, सुन, चैलेंज करके जा रहा हूँ, आज वो लोग सच बोलेंगे नहीं तो मरेंगे। तुझे तो मैं नाटक करता है, कम ऑन मूव।
सब परफेक्ट है ना? यू कैन प्रोसीड सर. थैंक यू. मैं तुम दोनों को लास्ट चांस दे रहा हूं. ये लाई डिटेक्टर है, इसके साथ झूठ मत बोलो, पकड़े जाओगे. मेरा नाम कृष्णा मोहन, आईपीएस. अब तुम कहाँ हो? जेल में. चोरी के प्लान में और कौन कौन था? मैं, अजय और करण, हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया. हाँ. 6 बजे वहाँ गए. सिक्योरिटी को पार करके. हाँ, come on, speak out, man, speak out. स्ट्रॉंग रूम में एंटर हुए. और उसके बाद एंटर होके देखा कि हाँ, बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो. पैसे नहीं है. नहीं थे? अगर तुम सबके सामने बोलने से डर रहे हो तो मेरे कान में बोलो. कम. पैसे नहीं थे सर. मुझे लगता था तुम लोगों पर चोरी का गलत इल्जाम लगा, पर तुम लोग मामूली चोर नहीं हो, प्रोफेशनली ट्रेंड हार्डकोर क्रिमिनल्स हो. सर प्लीज, हमने कहा ना, हमने चोरी नहीं की है, हम क्रिमिनल्स नहीं है सर. पागल हो जाऊंगा. चलो तीसरे का पता बता दो, तुम लोगों को छोड़ दूंगा. अगर आपको पता चल गया तो बताइए सर, हम उसे मारकर दोबारा इसी जेल में आ जाएंगे सर. ए, पुलिस के साथ गेम कर रहा है. सर 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 सर, रुक जाइए सर. मेरा भेजा गरम कर रहा है. एसीबी कृष्ण मोहन से दूंगा एक झापड़. भर के लड़के कौन थे? ए रुक, ए ए एसीबी, दिमाग को ठंडा कर. ये लोग मेरे आदमी है, इनके साथ ऐसा नहीं करने का. चलो तुम लोग जाओ, जाओ, चल जा. असली चोर को छोड़ के इनको मार रहा है. ये दोनों सच बोल रहे थे सर? घबरा मत रे बाबू, मैं हूँ ना, तू टेंशन मत ले, मैं सबको देख लूंगा. उस एसीपी को भी जान से मार दूंगा. नमस्ते भाई. थैंक्स भाई. थैंक्स का मतलब? एक काम करना, एक बार करीना से बात करवाना मेरी. करवाना, प्लीज प्लीज करवाना. वो करीना अभी कहाँ मिले? अब मुझे क्यों देख रहा है भाई, चल करीना को फोन कर. कर देना नंबर करीना का. मुझे मालूम है ना, टेंशन मत लो, करीना का नंबर है ना, अभी लगा के बात करवाता हूँ. रिंग हो रहा है. हेलो करीना. ए रॉन्ग नंबर. अरे अरे, वो मैं बाबू बोल रहा हूँ. बोलो. तुम्हारी कसम, मैंने चोरी नहीं की. वो पूछ रही है मेरा हालचाल कैसा है. तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारी कौन हूँ? अरे सॉरी, बोला ना भी, बोल दिया, मेरे गुस्से में कितना याद रखोगे. लो. नहीं नहीं, तुम बात करो. अरे बोल दिया गुस्से में यार, इतना दिल को लगा के बैठी हो. तुम्हीं ने तो कहा था कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं. हाँ कहा था, लेकिन ये लो, भाई से बात कर लो. कैसे हैं आप? इस पल के लिए मैं कितने सालों से इंतजार कर रहा था. मैं पागल हो जाऊंगा. बस बहुत हो गया अभी. हेलो, ये बताओ जेल में वो इतने साल किसके लिए वेट कर रहे हैं? वो क्या है, जेल में आकर ये पकड़ा गया है. अपने नाना भाई है ना, वो करीना कपूर के बहुत बड़े फैन है. अच्छा फोन रख दो, मुझे जरूरी काम है. अरे इतनी जल्दी, रुक जाओ ना. तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो और कौन सुनेगा? मैं तुम्हारा बाबू और तुम मेरी बेबी हो ना. चापलूसी छोड़ो, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? वहाँ ये शोर कैसा? वो तुम्हारे पागल खाने के लोग यहाँ पर आ गए. प्लीज बेबी यार, सॉरी बोला ना, अब इतना गुस्सा हो रही है तो कैसे चलेगा? हाँ मुझे क्या करना चाहिए? चांद तोड़ के लाओ, तारे तोड़ के लाओ, तुम ही बताओ मैं क्या करूं. मुझे चांद तारों की जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा बाबू ही सब कुछ है. थैंक्स बेबी, बाद में बात करते हैं, ठीक है? भाई बात करेंगे, एक बार और बात कर लो. अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपसे आकर जेल में जरूर मिलूंगी. अभी इवेंट से इमोशनल हो गया. बेबी बाद में बात करते हैं, ओके? मैं फोन रख देता हूँ. भाई क्या हो गया? छोटे आगले लग जा, कुछ ही क्या हुए छोटे. ओ भाई कुछ ही क्या हुए. तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा, तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया ना. क्यों रो रहे हो भाई? मेरी बेबो मुझसे कह रही है कि ठीक से रहना. मैं तो ये आंसू कैसे भाई? आज तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा. किससे फोन पे बात करवाया? बेबी से. फिर इसे कैसे मैनेज किया? अबे इसको मैनेज करना मेरे दाएं हाथ का काम है बॉस. फिर बेबी से क्या कहा? मैंने उसे कह दिया तुम पागल हो गए हो. प्रॉब्लम सॉल्व. ये लोग कौन है? कौन है आप? तुम लोगों को बाहर ले जाने आया हूँ. सच में? थैंक यू सर, हमें ना जानते हुए भी हमारी हेल्प करने के लिए. हमें क्या करना होगा सर? तुमने जो पैसों की चोरी की उस 20 करोड़ में आधा मुझे दोगे तो. सर वो 20 करोड़ हमने नहीं. मुझे पता था तुम लोग यही कहोगे. उस बात को सच मानने के लिए आई एम नॉट ए फूल.
देखो हर्षद मेहता, चार्ल्स शोभराज, करीम किल्की, छोटा राजन, जानते हो ना, ये लोग भी पुलिस सीबीआई से बच नहीं सके तो तुम लोग क्या चीज हो? बच्चे हो तुम लोग, बच्चे, बहुत बच्चे। अगर वो 20 करोड़ पुलिस को मिल गया तो तुम्हारा लाइफ खत्म, तुमसे प्यार करने वाली लड़कियों की जिंदगी भी खत्म। तुम्हारे बारे में मुझे ये सब कैसे पता सोच के हैरान हो रहे हो ना? तुम्हारा नाम है बाबू, गांव अभिलाषपुर, मामा के साथ रहते हो, बेबी से प्यार करते हो। तुम्हारा नाम अजय, सेम विलेज, गर्लफ्रेंड माधुरी, तुम्हारी ख्वाहिश है अमेरिका जाना है ना? अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिंदगी जेल में ही खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें मंजूर हो तो इस देश से बाहर भिजवा दूंगा, दुबई, गर्लफ्रेंड्स लेके सेटल हो जाओगे। तुम्हारे लिए वन एंड ओनली ऑप्शन वही है। ये है मेरा विजिटिंग कार्ड, ऑलमोस्ट तुम दोनों के लिए ये गेट पास है। एनी टाइम फोन कर दो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरा नाम सोनू सेठ, इस शहर का बादशाह। तू अकेला अमेरिका जाने से अच्छा है हम सब लोग मिलके दुबई चले जाते हैं यार। तू खा, ज्यादा सोच मत। क्या हुआ, क्या है भाई? हुआ क्या मतलब? अरे इसने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। रुक जाओ यार। अबे तू रुक ले। नाना भाई तुम्हें 10 साल से सता रहे हैं, उन्हें कुछ कह रहे का तुम्हें दम है नहीं? किसी ये 2 साल से मेरे को सता रहा है, जेलर के सामने चुपचाप रहता है और अकेला पाके मुझे मार रहा है। रुको तुम लोग, देखो शांति से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। शांति की बात मत, इसके साथ क्या शांति में बात करेगा? मार, मार इसको। रुक जाओ यार, सता रहता है मुझे। रुक जाओ यार, अब मेरी बात सुनोगे? मार दे रहोगे क्या? मैं शांति से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग सिर्फ मारने की बात कर रहे हो। ये तो मुझे रोज ही मारता है भाई। क्या प्रॉब्लम है तेरा? क्या प्रॉब्लम है, हर वक्त मार खाते रहता है। इधर 2 साल के लिए यहाँ पर आया और अभी मार खा रहा है, फिर बाहर जाएगा और फिर अंदर आ जाएगा। सर रोज मारने से अच्छा आज बैटर सॉल्व कर दो। सॉरी बोल दू, बोल सॉरी, सॉरी बोल, बोल सॉरी। सॉरी सर, बेवकूफ कहीं का, चलो रे। सॉरी सर, थैंक यू सर। हां ठीक है, ठीक करेगा सर वो। भाई आज तक मुझे किसी ने इंसान की तरह देखा ही नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा भाई, मां कसम भाई। अबे सुन, जहाँ पर भी रहना है खुशी से रहना चाहिए। हाँ चल अभी अपने कपड़े बदले और रोना बंद करिए। एक बात बता, तू हमेशा ऐसा ही रहता है क्या? ये चोरी का केस, पैसा, इस बारे में कोई टेंशन नहीं है क्या तेरे को? टेंशन लूंगा तो जीऊंगा कैसे भाई? अगर टेंशन लूंगा तो अपने टेंशन का बोझ किसी और पर निकालूंगा, अपनी टेंशन और फैलाऊंगा। इससे अच्छा है ये 2 दिन की जिंदगी 4 लोगों के साथ हंसते हुए बिता दूं। ये टेंशन तो लगे ही रहते हैं, इनको सर पे कौन लेगा? जेलर का जन्मदिन है ना, खाओ भाई खाओ। अरे तुम भी खाओ भाई। यू गया, यू आया, बस 2 मिनट। आज जेलर साहब का जन्म। दोस्त मिठाई। क्या हो गया, कल तुम्हारी फांसी ऐसे ले दुखी हो? हाँ इस सिस्टम पे गुस्सा निकालो ना, मिठाई क्यों फेंक दी? वो बड़ा ठीक है ना, इसके लिए मैंने उसे मिठाई नहीं। अरे वो सब छोड़ यार, बर्थडे बॉय किधर है? फैमिली के साथ बाहर जाके अभी आया है। बात है, हमारा राक्षस जैसा जिले भी रोमांटिक है। बाहर से राक्षस जैसा दिखता है लेकिन अंदर से बिल्कुल कृष्ण कन्हैया की तरह रोमांटिक है। तूने कुछ किया क्या? 20 साल की उम्र में यहाँ आया था, अब 30 साल का हो गया हूँ, सारे सपने तो ऐसे ही रह गए। इस जेल में कौन है अपना? जेल क्या, जेलर भी हमारा ही है। वैसे आज बहुत खुशी का दिन है, ठहर मैं अभी आता हूँ। कौन सी फिल्म देखने जा रहा है? रावण देखने जा रहा हूँ सर। अरे हट, राजनीति देख क्या। ठीक है सर। सर 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 हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। कहाँ गए थे सर, कहाँ थे?
कहीं नहीं, फैमिली के साथ मंदिर गया था। ये क्या सर, आप अपने फैमिली के साथ घूम के आए और हमें बस छोटी छोटी मिठाई दे दी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, रात को बिरयानी बनवाऊंगा। बिरयानी क्या क्या सर, वो तो रोज ही खाते, उसके साथ अगर कुछ पीने पीने की व्यवस्था हो जाए तो। क्या कह रहा है पता है? प्लीज सर, सब लोग चाहते हैं। अरे सर, ये जेल है यार, रूल्स का तो ख्याल कर। रूल्स का क्या है सर, आपने कहा बन गया, आपने चाह मिट गया। गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कोई गड़बड़ नहीं होगी सर, आप बस हाँ कहिए तो फिर ठीक है। सर तुसी ग्रेट हो, सर सुन तो। सर तुम्हें ना तू लड़ा ले, अजनाए ना हो जाएगी अब तेरी छुट्टी, कुछ भी आजमा। नशा ये अनजाना, इसे बच के तू न जाना, अब लोग करे जैसा भी दिखा तू जलवा। ये दुनिया में मैं बिंदास हूँ, समझे? पक्का सोना रे, मुझे ना घुमाना रे, दिल की बात कह दी तू और न कहना। दिखती हो मडोना, अब घर मेरे आओ ना, ये दिल में मेरे लिए छोटा घर बनाओ ना। अब तेरी छुट्टी कुछ भी आजमा, नशा ये अनजाना, इसे बच के तू न जाना, अब लोग करे जैसा भी दिखा तू जलवा। अरे गाओ भाई गाओ, अरे हे 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 हे। चलो
तुम लोगों के साथ दो पल नाच गाकर ये भूल गया था कि आज मेरी फांसी है। आज तक तो मैं लोगों को सिर्फ मारता ही आया हूँ क्योंकि मैंने जिहाद का रास्ता चुना था, लेकिन आज ये जाना कि असली जिंदगी वो होती है जो दूसरों के लिए जिया जाए, सिर्फ अपने लिए नहीं। असल में जिहाद वो होता है जो दुनिया भर में अमन और शांति कायम करता है। इसी सोच के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अल्लाह से मैं यही दुआ करूंगा कि अगले जन्म में तुम्हारे ही जैसा बनूं। हेलो, ये लड़की अपने दोस्तों से कहो कि सीधी तरह चोरी का अंजाम अपने सर पे ले लें, ये तो सब मारे जाएंगे। हेलो, कौन है? अगर मेरी बात नहीं मानी तो अगली बार फोन नहीं करूंगा, मार डालूंगा, कंफर्म। Who's this? याद रखना। हेलो 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 माधुरी, बोलो बेबी। अजंती बाबू आज जैसे मिलना होगा, मैं भी तुम्हें अभी फोन करने वाली थी, साथ चलेंगे। अजय के वीजा पेपर्स आ गए हैं, 3 दिन बाद स्टैंपिंग के लिए जाना है। मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी अजय, मैं मर जाऊंगी। इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ चाहा वो मुझे नहीं मिला। सॉरी माधुरी, आई एम अ फेलियर, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पापा की बात मान लो और शादी कर लो, तुम खुश रहो। मुझे डर लग रहा है बाबू, मुझे किसी का फोन आया था, चोरी कबूलने के लिए कहा है तुम्हें, नहीं तो मार डालेंगे। उसका नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम, उसने कुछ बताया नहीं। एनीहाउ तुम लोग जरा संभल कर रहना और अजय को समझा देना, हम लोग देखते हैं क्या किया जाए। अजय सुन, मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले यार, कुछ नहीं होगा, सच में। चुप कर, तेरी वजह से मैं यहां सड़ रहा हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं क्यों तुझे बर्दाश्त करूं? तू मेरा भाई है या मेरा साला? सब कुछ खत्म कर दिया तूने। मैंने अमेरिका जाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, 3 साल से मैं सिर्फ 2 लाख रुपयों के लिए कितनी मेहनत की है मैंने जानता है तू? जिसे तू हमेशा अपनी बहन बहन कहता है, उस माधुरी से मेरी शादी भी अमेरिका जाने से ही होने वाली थी, जानता है तू? सुन, बचपन में माँ बाप गुजर जाने के बाद हर किसी ने मुझे तुझसे दूर रहने को कहा, लेकिन मैं तो हमेशा तेरे साथ था, तेरी हर हरकतों को बर्दाश्त करता रहा। अरे अजय, ये हाथ मत लगा, तेरे अपनों ने ही तुझे घर से भगा दिया। मैंने तुझे कितना मना किया कि झगड़ा मत कर, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। देख, मैंने तुझसे मना किया था कि उन लोगों से उधार मत ले, लेकिन तूने मेरी बात ही कहां सुनी। हम यहां मुसीबत में हैं, इन सब बातों को छोड़कर करीना मेरी दोस्त है, इस तरह की डींगे मारने का क्या मतलब होता है, ये सब बताएगा तू मुझे? और तू इतना बेशर्म है कि तुझे इस बात का एहसास तक नहीं है। सुन, तेरे जी में जो है वो तू कर, मैं तेरे साथ कोई कमिटमेंट में नहीं रहूंगा, इसलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता। तूने जिंदगी में कभी किसी की फीलिंग की परवाह ही नहीं की, यहाँ तक तूने प्यार के नाम पे बेबी के साथ भी हंसते हुए खिलवाड़ करता जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तू किसी के प्यार के लायक नहीं है, मुझे तो तुझ पे शर्म आती है। छी, मैं तुझे क्यों समझा रहा हूँ, तेरे लिए जॉब की अपने कैरियर की कोई वैल्यू तक है ही नहीं। माफ करना बाबू, तेरे जैसे अनाथ से दोस्ती करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो बिल्कुल सच कह रहा मेरे दोस्त, मुझे वाकई में इन सब की कभी कोई परवाह नहीं थी। इतने साल तक तूने मुझे झेला है, तो बस और 2 दिन के लिए झेल ले मुझे, मुझ पर यकीन कर, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। हाँ, बस मैं कुछ भी करूं, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, तुम दिल्ली स्टैंपिंग के लिए जरूर जाओगे, समझे? सुन, तूने मुझ पर हाथ उठाया, इस बात का मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन तूने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं अनाथ हूं? तुम दोस्तों के सिवा इस पूरी दुनिया में मेरा और कौन है? लेकिन तूने आज बता दिया कि मेरी औकात क्या है। सोनू सेठ से डील करना या सुपर फास्ट ट्रेन के आगे ठहरना, दोनों एक ही बात है। फिर भी मैं तुम्हें अपने बारे में बता रहा हूँ। तुम्हारे बारे में जानने के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना बहुत मुसीबत का काम है, बहुत रिस्क है,
सब कुछ अनऑफिशियली मैनेज करना पड़ेगा। तो तुमसे नहीं होगा। सोनू सेठ इस शहर का बादशाह। हेलो। ए, इतनी बार बोला समझ में नहीं आ रहा है क्या? हा? कौन हो तुम? बोलो। चिल्ला मत, रख दे फोन। हेलो माधुरी, बाबू और अजय को किसी ने मारने की धमकी दी है। कौन है वो? उसने नाम नहीं बताया। अब हम कैसे पता लगाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा उनका। वो लोग घर आ गए बेबी। कौन? बाबू और अजय। पैसे ऊपर ही है ना? नहीं, दिल्ली में है। दिल्ली का टिकट निकलवाओ। क्या रे, ड्रामा कर रहा है? मैं कौन हूँ पता है ना? पता है, तेरा नाम सोनू सेठ है, इस शहर का बादशाह। लेकिन इससे दिल्ली तो यहाँ नहीं आ सकती, हमें ही वहाँ पर जाना होगा। तो अब बाकी बातें वहाँ पर करें। तुम्हें बाहर लाने के लिए कितना रिस्क उठाया मैंने? पैसों के लिए। वहाँ जाने के बाद अगर पैसा ना मिले तो? तुझे पैसे चाहिए, मिल जाएंगे। पहले टिकट का इंतजाम कर, नहीं तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, समझ गए? दिल्ली में पैसा देगा बोल रहा है। ए, तू यहीं रुक, उन पे नजर रख, मैं होके आता हूँ। ओके, ठीक है। ए, यहाँ वापस क्यों आए तुम लोग? चिपलो। अच्छा समझ के तुम्हें मकान किराए पे दिया था, लेकिन तुम लोग तो अभी और ज्यादा बात करेगा ना तो तेरी बकवास सुनने के बजाय तेरे पेट में चाकू घुसेड़ दूंगा। खोपड़ी गरम है यार। चल फुट रहे, चला चला जाए, हमें आज ही दिल्ली निकलना है। चल। सुन बाबू, आई एम सॉरी। अब तू क्यों सॉरी बोल रहा है? मेरी वजह से ये सब हुआ ना। बस मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों के बीच में भी ऐसा वक्त कभी आएगा, नहीं तो मैं तुझे कभी मिलता ही नहीं। इस दुनिया में तुम लोग ही मेरे सबसे प्यारे दोस्त थे। मैंने कभी खुद को तुम लोगों से अलग नहीं समझा। मैं कितना गर्व महसूस करता था कि तुम लोग मेरे दोस्त। अरे तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, और तुम लोगों को कुछ हो गया होता तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे कोई फिक्र नहीं है? अरे उस दिन पार्टी में झगड़ा हुआ, सब लोगों ने मुझे जिम्मेदार ठहराया। पप्पू के लिए हम लोगों ने लल्लन से 5 लाख रुपए उधार लिए। वो पैसे वापस करने के लिए हम लोगों ने चोरी का प्लान बनाया और फिर जेल में फंस गए। ये सब इसलिए किया ना कि उसकी जान बचे, और आज तुम लोग बस मुझे ही कोस रहे हो। सच कहा तूने, बिल्कुल सच कहा। मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, ना मैं तेरा साला हूँ ना तेरा भाई। तुम लोग तो ये समझते हो कि मुझ में इंसानियत है ही नहीं। मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। एक बार कह देते अरे बाबू अपनी जान दे दे, अरे मैं हंसते हंसते जान दे देता, कोई सवाल नहीं करता तुमसे। तेरा मेरा कोई खून का रिश्ता ना सही, दिल का तो है, लेकिन तूने मुझे आज पराया कर दिया यार। मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझे धुतकार दिया, और आज अब मेरे अपने दोस्तों ने धुतकार दिया। तुझे फ्लाइट में चढ़ाने के बाद मैं बहुत रोने वाला था। वो पुलिस वाले मेरे साथ क्या करते या फिर वो गुंडे मेरे साथ क्या करते मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आज मेरे अपने अपने दोस्त ने मुझे ये सब बोल के इतनी बड़ी दीवार खड़ी करी। ऐसे टूटेगी ये दीवार? तो कह रहा था कि मैं दूसरों का दुख नहीं समझ सकता। मैं इतना बुरा नहीं हूँ यार। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी कोई कसम नहीं खाई, लेकिन आज आज मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ये सब तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं किया था मेरे दोस्त। तुम जानते हो ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि मैं कैसा हूँ। बचपन में जब मेरे अपने माँ बाप मेरे सामने दम तोड़ रहे थे तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। तुझे अमेरिका भेज के ही दम लूंगा अजय, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। इन सब चीजों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं ना, तो मैं इस शहर से हमेशा के लिए जा रहा हूं, कभी नहीं दिखूंगा। बाबू उस दिन से आज तक मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। तुझसे बिना बात के मैं एक दिन भी नहीं रह सकता, तुझे कैसे छोड़ दूंगा बता मुझे। तेरे लिए कुछ भी करूंगा बाबू, हाथ से माँ बाप सारी चीजें तेरे बाद होंगी। हाँ, तेरे बाद होंगी। चल अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, चल 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 चल। देख बाबू मेरी बात सुन, मुझे कहीं नहीं जाना। सुन सुन, देख जिंदगी में पहली बार मैंने बाबू की बात समझ ली है। अबे तूने मुझे डांटा इसलिए नहीं यार। अभी चल जल्दी बाबू, चल बोला यार। जाना चाहता, सुन तो सही बाबू, ये क्या बाबू? सुनो तो बाबू, प्लीज तू चुप कर, नहीं अमेरिका जाएगा बोला तो जाएगा। अबे तेरा
नहीं तेरा वीजा पेपर। मैं तुझे छोड़ के बाबू नहीं जा सकते बाबू। ए छोड़ दे मुझे। गॉड, अरे पप्पू। अरे इसको होश आ गया, होश आ गया। सुना इसे होश आ गया, कुछ कटिंग के लिए दो यार। हां करण, अरे करण तू यहां पर। चलो चलो इसे ले चलते, चलो जल्दी इसे ले चलते, चलो संभाल के। ए, तुम लोग ठीक हो ना? तू ठीक तो है ना? एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन जब तुम लोग चोरी करने गए थे उसके बाद पप्पू, ए पप्पू, कौन है रे तू? नईम नाम है मेरा। ए, दोस्त की जान बचाना ही काफी नहीं होता बच्चे, उसे देखकर सही सलामत घर भी लाना चाहिए था तुमको, समझे? ए, अंदर जाओ और जल्दी करो, 5:30 का प्लान याद रखना, जस्ट 2 मिनट्स में काम निपटाओ, ज्यादा टाइम नहीं है, ओके? अरे दोस्तों की जान बचानी है, प्लीज उन दोनों को कुछ मत करना। यार है बाहर है क्या? जल्दी से पुलिस को और प्रेस को इन्फॉर्मेशन दे दो, यही लोग फंस जाएंगे, हम पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ओके? उन दोनों को कुछ मत करना, वो दोनों मासूम है, प्लीज उनको कुछ मत करना, भले ही मुझे मार डालो। रहीम मासूमों को नहीं छोड़ता। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया, सॉरी यार। सॉरी यार, हमने तुझे गलत समझा था। और मेरे भाई? मुझे माफ कीजिए, हमारे स्टाफ की गलती की वजह से आपके दोस्त की जगह पर रहीम नाम के क्रिमिनल को अपने साथ ले गए। अपने दोस्त को डिस्चार्ज करके ले जाते वक्त रहीम का भी वार्ड शिफ्ट हुआ था, तभी मेरे स्टाफ वहां रहीम के चेकअप के लिए आए और गलती से आपके दोस्त को रहीम समझकर अपने साथ चेकअप के लिए ले गए। इतनी आसानी से आपने कह दिया, लेकिन डॉक्टर उस वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे हट, इससे बात क्या करता है इसकी? रुक जा। आपके गुस्से को मैं समझ सकता हूँ, इस गलती का पता हमें 3 दिन बाद चला, आप लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उस वक्त आप लोग जेल में थे, जिसे डिस्चार्ज किया वो मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल रहीम था, ये बात अगर बाहर जाती तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेती, इसलिए हमें वहाँ पे इसलिए हमें फंसा दिया है ना। वो क्या है, अगर डॉक्टर सर्कल में ये बात फैल जाती तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाता। I'm really sorry. तब से आपके फ्रेंड को स्पेशल वार्ड में रखा है, उसका इलाज भी अच्छी तरह किया है। पुलिस समझ रही है कि उनका मुजरिम रहीम अभी भी इस वक्त कोमा में है, एक हफ्ते में आपका दोस्त होश में आ जाएगा। सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तेरी को आपने मेरे दोस्त की जिंदगी बचाई है, बस इसी वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ए, अब बहुत हुआ, अब आगे क्या करना है वो सोचो। अपना फोन दे जरा। क्या हो गया छोटे तेरे को? भाई एक मुसीबत में फंस गया भाई। अरे क्या हुआ, करीना को तो कुछ नहीं हुआ ना? इसके करीना की तो, अरे भाई बात ये है, जिस केस के लिए हम लोग अंदर गए थे ना, उस केस का असली गुनहगार कोई रहीम नाम का। रहीम? हाँ। तो फिर तुम लोगों ने क्या किया था? हमारी कोई गलती नहीं है भाई, हॉस्पिटल से मिस्टेक हो गया। भाई हमारी मदद करोगे ना? क्या छोटे, तू काहे को रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर दे क्या करना है। ओके ठीक है, तुम लोग जिधर हो उधर ही रहना, मैं अभी फोन करता हूँ, पुलिस के हाथ में आ गए तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग किसी सेफ जगह पर रहो, मैं अभी अपना एक आदमी भेजता हूँ। समझ गया ना?
मैं अभी अपना दिमाग चलाता हूँ। मुझे माफ कर दो छोटे भाई, मुझे पता नहीं था कि आप नाना भाई को भी जानते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। आप लोग जेल से बाहर कैसे आ गए भाई? कोई सोनू सेठ है भाई, पैसों के लालच में हमें उसने बाहर निकाल लिया। सोनू सेठ? क्या रे, दिल्ली जाना है कहकर यहाँ के छुपकर बैठ गया, क्या समझा तू? अब दिल्ली नहीं जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा। सोनू सेठ इस शहर का बादशाह। सोनू सेठ पे हाथ उठाओगे तो एक ही बुलेट सीधा अंदर जाएगा और खत्म कर। इधर मार मुझे, मुझे मार बोला ना। नहीं भाई, भाई मैं तुम्हें क्यों मारूंगा भाई? अरे ललन भाई मुझे माफ कर दो। अच्छा ये बता, तू इस शहर का डॉन कब से बन गया? मैंने कुछ नहीं कहा। बोलना, अगर तू डॉन है तो हम लोग कौन है रे? वड़ा पाव बेचने वाला क्या? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारा एकलौता चमचा हूँ ललन भाई। भाई भाई, इन दोनों को जेल से बाहर काहे को ला रहे तू? मैं क्या करूं भाई, दोनों ने जिस कंपनी में चोरी की उसका ओनर इनको बाहर लाने को कहा। उसका क्या काम रे, रिकवरी तो पुलिस वाले करेंगे ना। वो मैं नहीं जानता भाई, कुछ तो है भाई, उन्होंने कहा बाहर लाओगे तो 20 लाख रुपया मैं तुम्हें दूंगा। मेरा एक आदमी है, वो तुम्हें रहीम के पास लेकर जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, टेक केयर। छोटे, तेरे और अजय के जेल से बाहर जाने के बाद पुलिस इंक्वायरी करने के लिए जेल में आई थी, उन्हें पता चल गया कि तुम लोग भाग गए हो। मैं इधर मैनेज कर लूंगा, तुम लोग संभल के रहना। हम बाहर है, ये पुलिस वालों को पता चल गया। ऐसा क्या? ए, अब क्या करेंगे? चलो पहले यहां से निकल जाओ। किधर है वो? वो पुराने बंगले में छुपा है भाई, आप कहो तो मैं जाऊं। भाई जा। सुनो छोटे, वो बहुत खतरनाक है, जरा संभाल के। तुम इसे देख लो, मैं जाकर उससे नहीं पटाऊं। ठीक है? ठीक है, जाओ। ठीक है, चलो। ए, जरा देख तो कौन है। यही कमीना रहीम है। ये बुड्ढा कौन रे, तेरा दोस्त है क्या? देख अभी इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है, पैसे ले और हमारे साथ चल चल। रहीम हूँ मैं। ए, तेरे ड्रामेबाजी के लिए अपने पास टाइम नहीं है, समझा ना? रहीम हूँ मैं। ओए, ऐसा क्या रहीम को मारेगा? ए, तुझे बिहार के भाव का नाम मालूम है? उसे मैंने ही मार गिराया था। मैंने अपने लाइफ के सारे विलन्स को अकेले ही खत्म किया है, समझा? तू किस खेत की मूली है, तेरी माँ की। ओए, कहाँ भाग रहा है बे? दम निकल गया? मार मुझे, मार। Ah!
ए, बस हो गया, और मारेंगे तो मर जाएगा। आजा, चल बे। भाई रहीम को हम लोगों ने पकड़ लिया। शाबाश छोटे, शाबाश। और पैसे भी मिल गए। अरे अभी टाइम बर्बाद मत करो, कोर्ट बंद हो जाएगा, जल्दी पहुंचो तुम लोग उधर। सर जेल से आ रहा हूँ। वो दोनों जेल से भाग गए सर। तो जाकर कहीं डूब मरिए। सर मेरी क्या गलती है सर, आप बताइए। आप मेरी सिंसियरिटी जानते हैं, मैं ट्रेनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था, लास्ट ईयर मुझे परम चक्र भी मिला सर। आपको केस देना ही मेरी गलती। सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सिविक सेंस नहीं है, एम्बुलेंस को बीच रास्ते में रोक दिया। सिग्नल है सर, बेवजह ट्रैफिक जाम करता है। ओ पुलिस, आगे निकलो, चलो चलो चलो। सर मैं उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा सर, उन्हें पकड़कर ही कृष्ण मोहन आपके सामने आएगा सर। ये सर इनको तो नहीं छोड़ूंगा। ललन भाई इसका क्या करे? सुन रहे, फोन करते रहे उस ऑनर को। जरूरी है क्या? ले, ले। हेलो, लड़के कैश के साथ रेडी है, शहर के चौराहे के पास। सच कह रहे हैं ना तुम? सोनू सेठ, इस शहर का बादशाह है। ए, ये कार हमारे एमडी की है। I'm the MD. काहे का MD रे? हमारे पप्पू के ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे तो तूने दिए नहीं, हाँ? और MD बनता है? रुको 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 रुको। केस में हम लोग फंस गए, पैसे पुलिस रिकवर करेगी, तो तू बीच में क्यों निकला तेरी तो? ये बात सुनो, उसमें नकली नोट थे। नकली नोट? नकली नोट को? सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये मान चुकी है कि एमएस सिक्योरिटीज में हुई चोरी का असली मुजरिम रहीम ही है। एटीएम में जाली नोट रखकर सरकार और जनता को धोखा देने के जुर्म में एमएस सिक्योरिटी कंपनी को सीज करने का हुक्म जारी करते हुए उस कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है। चोरी करने की कोशिश में पकड़े गए विजय बाबू, अजय और करण को अदालत 6 महीने की सजा सुनाती है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है सर, वो लोग कोर्ट में ही है। किसी भी हाल में सर, यू आर अंडर अरेस्ट। वो किस लिए? जेल तोड़कर भागने के लिए। चलो हम लोग वही जा रहे, तुम्हें भी ड्रॉप कर देंगे। माधुरी बाय, पप्पू का ख्याल। बाय, ठीक है, बाय। देखे बाय, ओके। ये पकड़ो, शॉट लेते हैं, चलो चलो क्रेन ऊपर, चलो चलो, कम ऑन फील्ड क्लियर, कम ऑन, एक क्लैप क्लैप, कम ऑन फास्ट यार, कम ऑन, रेडी कैमरा रेडी, या सिद्धार्थ आर यू रेडी, कैन वी टेक अ शॉट? कल इंडोर है, अभी पैकअप करते, ओके? और यार कहाँ हो लोग? विजय बाबू, इसकी तो ये यहाँ पर कैसे आ गया? विजय बाबू, विजय बाबू। अरे नमूना कौन है यार? ये वही है जो मिस कॉल दिया करता था, मुझे बहुत मिस किया करता है। अरे तुझे आज तक कितने मिस कॉल लिया भाई, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, कहाँ मर गया था क्या? इस बार मुझे माफ कर देना मोटू राम, अगली बार जरूर फोन करूंगा। ए तू जरा इधर आ, इसे संभाल कर रखना, ये चोरी तो नहीं करेगा ना? नहीं मोटू राम, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शूटिंग पे नहीं आई है क्या? तुम चलो ना रूम पे चलते, सब बता दूंगा।